Hey everyone, I'm Siraj Khanwal and I welcome you to my YouTube channel and this revision series जिसका नाम है DirectX Smart Revision. तो guys, आज मैं आ गया हूँ मेरा एक और वीडियो लेके जो बहुत ही स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करने वाला है. मुझे बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर MCQ इन केस सिनेरियोस को सर जो ICA ने बुकलेट निकाला है सर वो बहुत बड़ी है सर, उसको सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है, हम कैसे करेंगे सर, एक एक केस सिनेरियो में सर 5 MCQ में सर आधे घंटे लग जा रहे हैं. तो मैं बोला यार मैं हूँ ना, मैं कराऊंगा, चिंता मत करो. तो मैं आ गया हूँ, बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बना लिए हैं MCQs एंड केस सिनेरियोस का, अपन कर लेंगे, सब कर लेंगे, फोड़ देंगे एकदम, चिंता मत करो तुम. तो सबसे पहली बात कि दो पार्ट में है MCQs एंड केस सिनेरियोस. तो MCQs अपन अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सर MCQs ईजी है, फिर भी पहले आप केस सिनेरियोस कराइए जो ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. तो मैंने वही सोचा पहले केस सिनेरियोस कराता हूँ, उसमें 30 केस सिनेरियो है तो 30 में से आज मैं पहले 10 करा रहा हूँ एंड इसके बाद आपका रिस्पांस अगर अच्छा आता है तो फिर मैं और 20 कराऊंगा और फिर मैं पोल डालूंगा टेलीग्राम पे अगले 20 के लिए एंड MCQs के लिए कि करवाना है कि नहीं. तो आप बताएंगे तो मैं करा दूंगा क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है इसमें. आपको एक बार अभी देखेंगे ना, आप अभी पढ़ेंगे नीचे जाएंगे तब समझ में आएगा आपको मैंने नोट्स में बहुत मेहनत किया हूँ, आपके लिए बहुत ईजी बना दिया हूँ, मज़ा आ जाएगा एकदम. तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले 10 अपन कर रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें मैंने बहुत क्रिएटिविटी से बनाया हूँ बहुत ज़्यादा. फर्स्ट देखो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी एडजस्टमेंट रहेगा, देखो मैंने यहाँ पे कलरफुल एडजस्टमेंट किया हूँ एकदम. आप बोलोगे सर इतना कलरफुल क्यों कर दिया सर, आपको ड्राइंग करने की इच्छा हो रही थी क्या? नहीं भाई ऐसा नहीं है. ये देखो आपके जो भी एडजस्टमेंट्स हैं ना, जैसे यहाँ पे रेड एडजस्टमेंट है, मतलब ये क्वेश्चन वन का एडजस्टमेंट है, मतलब इसमें मैंने कलर स्कीम दिया हूँ, फर्स्ट का रेड है, सेकंड का ब्लू, थर्ड का ग्रीन, फोर्थ का ये येलो ऑरेंज जो भी है, सॉरी येलो टाइप्स कुछ है हाँ, कुछ जज मत करना, और फिफ्थ का है पर्पल, मतलब पिंक पर्पल टाइप्स कुछ. तो भाई सीए हूँ मैं, जज मत करना. तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे रेड है तो इसका एडजस्टमेंट भी आपको रेड में मिलेगा, सेकंड ब्लू है एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ब्लू में मिलेगा, ठीक है, थर्ड आपका ग्रीन है तो जो क्वेश्चन में जहाँ एडजस्टमेंट होगा जिससे आंसर आएगा वो आपको सेम कलर मिल जाएगा हर क्वेश्चन का. इससे पढ़ने में बहुत आसानी होगी क्योंकि जब अपन ढूंढेंगे क्वेश्चन में जाके आंसर ढूंढने के लिए, अपन वापस जब क्वेश्चन में जाएंगे, जब MCQs के आंसर ढूंढते टाइम क्वेश्चन में वापस जाएंगे हम, तब हमको जब ये कलर मिल जाएगा ना तुरंत, मतलब पता चल जाएगा कहाँ पे. तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी अगर आप आईपैड पे, टैबलेट पे या कंप्यूटर पे या फिर फोन पे अपने ये PDF देखेंगे तो, और वीडियो देखते हैं बहुत हेल्प होगी, ठीक है. बट सर आप बोलेंगे यार सर हम तो प्रिंट कराना चाहते हैं क्योंकि सर आपने इतनी मेहनत करके नोट्स बनाए हैं, इतने अच्छे नोट्स हमारे लिए बनाए हैं तो हम प्रिंट करेंगे ना सर. हाँ बेटा करो ना. तो उसके लिए भी मैंने एक चीज़ निकाला हूँ क्योंकि प्रिंट तो मोस्टली लोग ब्लैक एंड व्हाइट में करते हैं, तो उसके लिए मैंने क्या सोचा है कि देखो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ एडजस्टमेंट है तो यहाँ वन नंबर लिख दूंगा मैं, जहाँ जिस क्वेश्चन नंबर का एडजस्टमेंट है ना उसका क्वेश्चन नंबर लिख दूँ. यहाँ वन लिख दिया, यहाँ टू लिख दिया, थ्री लिख दिया, यहाँ ऐसा फोर्थ का लिखा है, फोर्थ यहाँ लिख दिया एंड यहाँ ऐसा फाइव लिख दिया, ठीक है. तो मतलब सब तरीके से एकदम खाना आपको परोस दिया है, बस खाना है आपको, अब खाना तो खाना पड़ेगा, मतलब परोस तक सकता हूँ मैं, उसका क्या नहीं कर सकता, ठीक है. चलो तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उस पर जाएंगे, किस पे, MCQs में. तो LPG अ पार्टनरशिप फर्म इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स, इट फर्निशेस यू द फॉलोइंग डेटा, ठीक है ये डेटा है अपने पास. एक्सपेंसेस दिए 236 के 236, ग्रॉस टर्नओवर दिया 2,55,00,000 का, इंटरेस्ट दिया पार्टनर्स को 5,40,000 का, उसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है 1,20,000 का जो गोपाल को दिया गया है उसके HUF के लिए, ठीक है. ये कुछ सैलरी दी है पार्टनर्स को और आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है. अब कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, पार्टनर शेयर करते हैं प्रॉफिट लॉस इक्वली, 19-20 में उनको हुआ था बिजनेस लॉस भैया 1,50,000 का और 3,00,000 का. अब इस PDF में ज़्यादा मैं मार्क नहीं कर सकता पढ़ाते पढ़ाते क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारा लिख के रखा है, वो ख़राब हो जाएगा, मतलब आपके लिए अलग से PDF बन जाएगी पूरी, पर अभी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल हो जाएगा तो दिखेगा नहीं आपको अच्छे से, ठीक है. 1,50,000, ठीक है. ऑन 1/4/2020 मिस्टर जयेश पार्टनर डाइड एंड हिज लीगल हेयर मिस्टर जे गॉट एडमिटेड, ठीक है. ऑन द सेम डेट अनदर पार्टनर मिस्टर राज ऑल्सो रिटायर्ड ऑन द सेम डेट, ठीक है. अभी बाजू में क्या लिखा है वो मत पढ़ो, अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो. मिस्टर माधव इज नॉट एंगेज एक्टिवली एंगेज इन कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, वाइल मिस्टर जय एंड गोपाल आर एक्टिवली एंगेज इन द कंडक्टिंग
अफेयर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। इंटरेस्ट एट द रेट 16% फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज पेड फ्रॉम 1/7/2020, कब से मिला है, 1 जुलाई 2020 से, ठीक है। द क्लॉज फॉर द सेम वॉज हाउ एवर एंटर्ड इन द पार्टनरशिप डीड ऑन 1/1/2021, ठीक है, 1/1/2021 पे डीड एंटर हुई है। सब डेट समझो अभी से, अभी थोड़ा कैमरा हो गया। तो डेट समझिए, फिर सैलरी पेड टू पार्टनर इज ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड सिंस इट्स इंसेप्शन, सैलरी पहले से पार्टनरशिप डीड से ऑथराइज्ड है, ठीक है। अब मिस्टर गोपाल रिलिंकिश हिज टाइटल इन अ लैंड इन द नेम ऑफ एलपीजी फॉर अ कंसीडरेशन ऑफ 18 लाख व्हिच वाज ड्यूली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एलपीजी ऑन 31/3/2019। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड ऑन द डेट वॉज 20 लाख। अब अपने को क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। अब गाइस कुछ लोग को ऐसा डाउट आएगा, सर ये आप करा रहे हो हमको, तो उससे ऐसा तो नहीं होगा कि हमको जहाँ पे, मतलब अगर खुद से सॉल्व करते हैं कोई भी तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। बट जैसे आपके पास टाइम नहीं है, फर्स्ट सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ना सब जगह बताऊँगा जहाँ आप गलती कर सकते हो और जहाँ पे पॉइंट आपको देखना चाहिए था। मतलब अगर आप खुद सॉल्व करते तो जहाँ जहाँ आपको जो पॉइंट आएंगे ना वो मैं सब मोस्टली ट्राई करूँगा कवर करने का। तो डोंट वरी, अपन अच्छे से करने वाले हैं, मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मच इंटरेस्ट कैन द फर्म क्लेम एज डिडक्शन फॉर AY 21-22। अब सबसे पहले देखो इंटरेस्ट कहाँ दिया है, पीएनएल में इंटरेस्ट दिया अपने को 5,40,000 का, ठीक है। अब इसमें से बोलता है 1,20,000 का पेड टू गोपाल फॉर लोन गिवन बाय गोपाल HUF। अब गोपाल HUF को लोन, गोपाल HUF ने लोन दिया था उसको, पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट पे किया 1,20,000 का, ठीक है। अब ये 1,20,000 का इंटरेस्ट किसको गया है, गोपाल को गया है, पर किसके बिहाफ पे लिया गोपाल ने, गोपाल HUF के बिहाफ पे। आपने को अगर याद आया नहीं होगा अभी तक तो भाई पढ़ाई करो, और नहीं भी याद आया होगा, आगे होगा तो याद दिलाऊं कि अगर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर कोई पार्टनर लोन लेता है तो वो लिमिट में काउंट नहीं होता, जो 40B की लिमिट देखते अपन, ठीक है। तो 1,20,000 तो अपन मतलब काउंट नहीं करने वाले अपन, याद रखो, ठीक है। अभी अपने को इंटरेस्ट देखना है कितना डिडक्शन मिल सकता है फॉर्म को, तो फॉर्म को डिडक्शन कितना मिलता है भैया, याद करो 12% मिलता है, ठीक है। तो 12% डिडक्शन मिलता है, पर फॉर्म ने कितना पे किया है, 16%, ठीक है, यही गलती कर दी, इसमें से 12% देना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्म ने कब से पे किए, 1/7/2020 से, मतलब 9 महीने का पे किए, पर पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज कब से हुआ है, 1/10/2021, मतलब सिर्फ 3 महीने का ऑथराइज हुआ है। मतलब क्या क्या बोल रहे हैं अपना, कि जो 1,20,000 है फर्स्ट वो तो आपने लिमिट में काउंट ही नहीं करोगे, दूसरी चीज 16% जो मिलना चाहिए था वो 12% मिलेगा, ठीक है। उनने इंटरेस्ट 9 महीने का दिए, पर 40B के अंदर कितने महीने का अलाउड रहेगा, 3 महीने का, ठीक है। तो ओनली 12% अलाउड 9 मंथ्स, ठीक है, 12% अलाउड रहता 9 मंथ्स के लिए। अब देखते हैं इंटरेस्ट चार्ज कितना किया है उनने, 16% सबसे किया है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया है ना ये 1,20,000 के अलावा कितना दिया है, 1,20,000 के अलावा 5,40 में से आप 1,20,000 माइनस कर लो तो आपको 4,20,000 का इंटरेस्ट उन्होंने दिया है। तो समझो 4,20,000 का इंटरेस्ट आपने उसने कितने परसेंट पे कैलकुलेट किया है, 16% पे, ठीक है, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, मतलब उसने ऑलमोस्ट 12% इंटरेस्ट चार्ज किया है, जबकि करना कितना चाहिए था उसको, 12% करना चाहिए था 9 महीने का, ठीक है, मतलब 9% करना चाहिए था उसको, ये कैलकुलेशन में कन्फ्यूज मत होना, 12 और 9 में, मतलब ये 16% ही है पर 9 महीने का, इसलिए 12% आया वो, और ये 12% जो अलाउड है चार्ज इतना हुआ, अलाउड कितना है 12%, जो कि 9 महीने में, 9 महीने के लिए मतलब चार्ज होना चाहिए था, मतलब 9%, ठीक है। तो पहले तो 1,20,000 अलाउड रह गई इंटरेस्ट, मतलब फर्म को, प्लस बचे हुए 4,20,000, 5,40,000 में 4,20,000 में से 12 चार्ज किया है, डिवाइड बाय 12 कर दिए, इंटू 9 कर दिए कि 9% होना चाहिए था, ठीक है। पर ये कितने महीने का किया है, 9 महीने का निकाला है, निकालना कितना चाहिए था, 3 महीने का, तो 4,20,000 करो आप अपने कैलकुलेटर में, 4,20,000 कितने महीने का, कितने पे चार्ज किया इसको, 12 पे, पर कितने पे करना चाहिए था, 9 पे, कितने महीने का किया है, 9 महीने का, पर कितने देना चाहिए था, 3 महीने का, आगे 1,05,000, 1,20,000 प्लस 1,05,000, 2,25,000, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो भैया पूरा अपन रिवाइज कर रहे हैं साथ साथ में प्रोविजंस भी ना, इस मतलब MCQs को करते करते, जो 10 करते करते आप कम से कम 20 से 22 टॉपिक रिवाइज होंगे जो कि मैं कराऊंगा आपको,
ये बहुत वैल्यू एडिशन होने वाला है, वैल्यूएबल होने वाला है ये लेक्चर, तो मज़ा तो आएगा आपको, तो मज़ा आएगा तो फिर आगे भी कर लेंगे 20 बाकी के, पर मज़ा आएगा तो बताना ज़रूर ना, और लाइक कर देना और दोस्तों को भेज देना भाई, बहुत मेहनत किया हूँ। अब बोलोगे सर गिना रहे हो, हाँ तो भैया किया है ना, आपके लिए किया है तो बताना तो पड़ेगा ना, आप भी बताओ कि सर हम भी आपको पसंद करते हैं। ठीक है, सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच सैलरी कैन द फर्म क्लेम एज डिडक्शन फॉर FY 2021-22। अब मुझे बताओ कि फर्म सैलरी कितना डिडक्ट कर सकती है। फर्म सिर्फ जो पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर्स है, जो एक्टिवली एंगेज है बिजनेस में, बिजनेस के कंडक्ट में, उनकी ही सैलरी मतलब वर्किंग पार्टनर्स की सैलरी डिडक्शन ले सकती है। तो इसमें वर्किंग कौन कौन है, मिस्टर जय, मिस्टर गोपाल, देखो ब्लू ब्लू से है, क्वेश्चन टू ब्लू था, इसमें ब्लू से अपने मार्क कर दिया, मिस्टर जय मिस्टर गोपाल ही एक्टिवली वर्किंग है। तो मिस्टर जय कितनी है, 30,000, मिस्टर गोपाल कितनी है, 28,000। तो 30 + 28 × 12 58,000, मतलब 58,000 × 12 6,96,080 आंसर है कि नहीं। अभी खुद से करने बैठोगे ना भाई बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं कराने आया हूँ। द बिजनेस लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अलाउड टू बी सेट ऑफ व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ द फर्म फॉर AY 2021-22 आर। अब मुझे बताओ बिजनेस लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होगा। अब अपन क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ये दो ग्रीन मिल गया अपने को, मिस्टर मतलब यहाँ पे उसका एडजस्टमेंट है, मिस्टर जयेश अ पार्टनर डाइड एंड हिज लीगल हेयर मिस्टर जय गॉट एडमिटेड ऑन द सेम डेट, मतलब ये मरा मिस्टर जयेश तो उनका जय आ गया, मतलब इसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मिस्टर जय वाला जो पोर्शन है ना वो चलता रहेगा आगे। ठीक है, अनदर पार्टनर मिस्टर राज ऑल्सो रिटायर्ड ऑन द सेम डेट, राज एक्सपायर मतलब रिटायर हो गया उस डेट पे। ठीक है, तो सेक्शन 78 क्या होता है, सेक्शन 78 बोलता है जो पार्टनर्स रिटायर हो गए ना उनका आप शेयर आगे उनका बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिस्टर राज रिटायर हो गया, पर अगर कोई मतलब रिटायर होता है या मरता है तो, बट अगर मरता है और लीगल हेयर उसने अपॉइंट कर दिया, एडमिट कर दिया लीगल हायर, उसका एडमिट हो गया, तो उस केस में उस पार्टनर का बढ़ा सकते हैं आगे। जिसका मतलब क्या है कि जय इस जगह जब जय आया तो जय का तो लॉस आगे बढ़ा सकते हैं अपन, बट जो अपने मिस्टर राज है जो रिटायर हो गए उनका अपन शेयर ऑफ लॉस नहीं बढ़ा सकते। मतलब किसने कितने पार्टनर हो गए, अब यहाँ तीन दिख रहे हैं, जय की जगह जयेश था पहले तो जय का तो ले सकते अपन, जय गोपाल माधव, और जो ये राज है वो रिटायर हो गया, तो चार पार्टनर थे। बिजनेस लॉस कितने का है, बिजनेस लॉस है फर्म का, अबे कहाँ गया बिजनेस लॉस, हाँ ये है बिजनेस लॉस, 3 लाख रुपए का बिजनेस लॉस है। ठीक है, तो 3 लाख में 4 में से डिवाइड करो, शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वल था तो 4 में से 75,000 आता है, तो जो राज का ये अपन ले जा नहीं सकते, 225 ले जा सकते हैं बिजनेस लॉस। अब बात आई अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की, तो सर सेक्शन 78 आपको तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो रिवाइज कर लो, सेक्शन 78 डज नॉट अप्लाई ऑन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, मतलब आप 225 कर सकते हो बिजनेस लॉस और 1.5 लाख कर सकते हो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहती पेपर के टाइम, और पेपर में MCQ आता तो आप 225 और 1 ये एक बार करके आते, क्यों, क्योंकि आप सेक्शन 78 को उस पर भी लगाते थे, किस पे, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पे, बट वो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पे अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ बिजनेस लॉस पे अप्लाई होता है, वो क्या, सेक्शन 78। बहुत एनर्जी लगा दे रहा हूँ मैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया हूँ ना इस पे, तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है अंदर से आज। चलो, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ फर्म फॉर AY 2021-22। तो अपन पहले देखते हैं इसमें ग्रॉस टर्नओवर इतना है, इसमें एक्सपेंस इतने हुए हैं। ठीक है, तो ग्रॉस टर्नओवर कितना है उसको माइनस कर ले ग्रॉस टर्नओवर को एक्सपेंसेस से, तो अपन आता है 19 लाख, ये ग्रॉस प्रॉफिट समझ लेते हैं अपन 19 लाख रुपए। अब इसमें से माइनस होगी चीज़ें क्या क्या, जो अपन ने कैलकुलेट किया वो सब माइनस कर दो, क्या इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट आपको 225 अलाउड रहेगा वो माइनस कर दो, 696 आपको सैलरी अलाउड रहेगी वो माइनस कर दो, 225 आपको बिजनेस लॉस अलाउड रहेगा वो माइनस कर दो, अनअब्सॉर्ब्ड प्रिपरेशन 1.5 लाख मिलेगा वो माइनस कर दो, तो आएगा 6,04,000 आंसर। अभी आंसर मैंने टिक कर लिया ना पहले से ही, इससे आंसर आप चेक कर सकते हो, सही है पूरा टिक का अच्छे से किया हूँ मैंने ना, प्लस हो गए 1.4। अब है सेक्शन, अब क्वेश्चन 1.5, व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ LPG अज्यूमिंग दैट द लैंड एक्वायर्ड फ्रॉम गोपाल वाज सोल्ड ऑन 28/2/2021 फॉर 25 लाख, मतलब 25 लाख को इसने बेच दिया लैंड। ठीक है, जिस दिन बेचा उस दिन फेयर वैल्यू 30 लाख थी और 28 लाख SDV थी, अब SDV 28 लाख थी तो अपन पहले SDV देखते हैं, तो SDV विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, ये 50C से आता है, 50C सेक्शन अगर आपको नहीं आता होगा तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं भाई, खुद ही पढ़ो, इतना इजी सेक्शन है, आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, बट यहाँ पे ना
इसने क्या किया है, हाँ 25 लाख में बेचा है, 28 लाख अपने मतलब ये हो जाएगा, सीजी लिख दिया यहाँ पे गलती, सॉरी, ये आएगा यहाँ पे आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, 28 लाख। अब उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, अपन यहाँ पढ़ते हैं, देखो पर्पल मिल गया अपने को, फिफ्थ क्वेश्चन का एडजस्टमेंट। मिस्टर गोपाल लिंकिस्ट हिज टाइटल इन अ लैंड इन द नेम ऑफ एलपीजी, मतलब फर्म के नाम पे 18 लाख में, ठीक है, विच वॉज ड्यूली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड ऑन दैट डेट वॉज 20 लाख। अब देखो ये सेक्शन आता है 43CA, ठीक है, जब नहीं 43CA नहीं है वो बिजनेस में अपन जब एसेट बेचते हैं बाद में आता है, सॉरी 43CA नहीं है ये, 43CA आगे वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया यार, ऐसे जज मत करना। तो ठीक है 20 लाख आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो 18 लाख की थी पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 20 लाख। तो फर्म ने जब 19 में ये आपके फर्म के हाथ में आया होगा ना, तो फर्म के हाथ में 2 लाख रुपए का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि SDV 20 लाख है और SDV 10% से ज़्यादा है, तो 18 लाख के 10% ज़्यादा है, तो 20 लाख ही इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पड़ेगी, क्योंकि 2 लाख रुपये फर्म के हाथ में उस टाइम पे IOS में आया होगा, ठीक है, कब, 2019 में। तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, 20 लाख रुपये, 28 में से 20 गया, 8 लाख रुपये आपकी इनकम। आंसर क्वेश्चन 1 खत्म, क्वेश्चन 1 में बहुत टाइम लग गया, उम्मीद करता हूँ आगे ना लगे, क्योंकि अपन को जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो मतलब क्या मेरा पढ़ाने का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। MCS प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज इन प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है, क्या करती है, कंसल्टेंसी बिजनेस एडवाइजरी, इट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एडवाइजरी, बिजनेस मर्जर्स, बिजनेस क्या क्या करना है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2021 इट हैज प्रोवाइडेड वेरियस सर्विसेज एंड इट्स ग्रॉस रिसीट्स अमाउंटेड टू 70 करोड़ रुपीज, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर ऑपरेशन, 70 करोड़, हाँ, एंड द कंपनी थिंक्स इट हैज डिफॉल्टेड इन सर्टेन कंप्लायंसेस, मोर ओवर ड्यूरिंग द ईयर इट रिसीव द फॉलोइंग लोन्स इन कैश फ्रॉम वेरियस वेंडर्स, कितना कितना कैश मिला, 25 लाख, ठीक है, लोन्स मिले ना कैश में 21,000, ठीक है, 11,000, ठीक है। फर्दर एमसीएस प्राइवेट लिमिटेड मेड द फॉलोइंग लोन, बाजू का मत पढ़ो कुछ भी ना, फर्दर एमसीएस प्राइवेट लिमिटेड मेड द फॉलोइंग लोन रिपेमेंट्स, लोन रिपेमेंट्स किया 8,000 रुपये मिस्टर ए को, 2.5 लाख मिस्टर ए को, 8,000 किससे किया, कैश से किया, 2.5 लाख किया अकाउंट पे चेक से, 21,000 किया RTGS से, 17,000 किया क्रॉस चेक से, ठीक है। एमसीएस प्राइवेट लिमिटेड हैज ऑल्सो रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 2 लाख फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू मिस्टर श्याम थ्रू बियर चेक, ऑल्सो ही रिसीव्ड कैश ऑफ 90,000 फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू मिस्टर अंकित। फर्दर मोर एमसीएस प्राइवेट लिमिटेड ऑल डज नॉट नो अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, उसको ये भी नहीं पता है भाई टैक्स ऑडिट के बारे में, कौन बताएगा, अपन बताएंगे, अपन सीए बनने वाले हैं अपन, मतलब आप, तो आपको बताना पड़ेगा, आप सही बताओगे तो सीए बन जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ एनी व्हाट वुड बी लेविए विच वुड बी लेविएबल ऑन एमसीएस प्राइवेट लिमिटेड फॉर अवेलिंग लोन इन कैश फ्रॉम वेरियस वेंडर्स। अब लोन इन कैश, तो लोन इन कैश सेक्शन याद आ रहा है क्या, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये सेक्शन आते हैं 269SS ST&T, आपको फट से याद कराऊं, रिवीजन कराऊं फट से, करा दो सर, करा दो सर, करा दो सर, प्लीज करा दो, करा देता हूँ। तो मेरे साथ साथ बोलो क्या क्या है, SS ST और T, क्या क्या है, SS ST T, SS ST T, ना लेने का, ना लेने का, ना देने का, फिर से बोलो एक बार मेरे साथ, ना लेने का, ना लेने का, ना देने का, ठीक है। 20,000 2 लाख 20,000 20,000 2 लाख 20,000 20,000 2 लाख 20,000, क्या क्या है साथ में बोलो, न लेने का 20,000, न लेने का 2 लाख, न देने का 20,000, फिर से, न लेने का 20,000, न लेने का 2 लाख, न देने का 20,000, सिंपल याद हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी होगा ना, ठीक है। अब लोन इन कैश लिया अपन ने, तो लोन इन कैश में अपन ने क्या क्या लिया है, 25 लाख अवेल फ्रॉम ए, 21,000 अवेल फ्रॉम बी और 11,000 अवेल फ्रॉम सी, ठीक है। तो क्या पढ़े थे अपन ने SS में, ना लेने, फर्स्ट क्या है, ना लेने का 20,000, तो 20,000 के ऊपर है क्या 25 लाख, हाँ भैया, 21,000 20,000 के ऊपर है क्या, हाँ भैया, 11,000 है क्या, नहीं है, तो कितने की पेनल्टी होती है, 25 लाख प्लस 21,000, 25 लाख 21,000 की, सिंपल। ये आपको स्पीड में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं पहले से स्पीड में चल रहा हूँ, ठीक है। अब व्हाट इज अमाउंट ऑफ पेनल्टी लेवेबल ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन टू मिस्टर ए, अब रीपेमेंट ऑफ लोन की पेनल्टी देखना है अपन को, तो अपन ने अभी पढ़े थे ना लेने का, ना लेने का, ना देने का, ना देने का कितनी कितनी लिमिट है, 20,000 की लिमिट है, तो ये देने वाली बातें यहाँ पे हुई है, देखो ये ब्लू है, ब्लू का ब्लू, ठीक है।
8,000 गिवन टू मिस्टर ए, 20,000 से कम है भाई। 2,50,000 गिवन टू मिस्टर, मतलब ये कैश में है ना, अब इसमें सब ये चीज़ सब चीज़ कैश में थी ये सब, इसलिए अपन ने सीधे से पेनल्टी देखी, अपन ने देखी नहीं कौन सा मोड है क्योंकि कैश ऊपर ही लिखा था। अब यहाँ मोड्स अलग अलग है सब, तो देखना पड़ेगा मोड्स। तो फर्स्ट है कैश का मोड, सेकेंड है अकाउंट पे ही चेक से 2,50,000 रुपये, 21,000 RTGS से, 15,000 क्रॉस थ्रू चेक से, ठीक है, एक क्रॉस चेक से। अब मैंने ना आपको 2,20,000 जब बताया तो मेरे को मैंने अज्यूम किया ना आपको ये समझता होगा कि ये अमाउंट अपन अकाउंट पे ही चेक और RTGS से दे सकते हैं, उसमें कैश अलाउड नहीं रहता, बेरर चेक अलाउड नहीं रहता, ये आपको समझता समझना चाहिए, मतलब इतना अज्यूम किया मैंने ना। तो पहला 8,000 इन कैश, ठीक है ये चलता है, 2,50,000 अकाउंट पे चेक चलता है, 21,000 RTGS चलता है, बट ये 15,000 क्रॉस थ्रू चेक किसको है, मिस्टर ए को, ये मिस्टर ए को। तो ये 8,000 और 15,000 मिलके 23,000 हो गए, जो कि 20,000 से ज़्यादा है। ये लिमिट अपन देखते हैं, अगर एक इंसान को दिया गया है अलग अलग डेट पे तो टोटल मिलके अगर 20,000 मतलब लिमिट क्रॉस करता है तो वो पेनल्टी होती है। इसीलिए 2CNT में आपको पेनल्टी रहेगी 15,000 प्लस 8,000 23,000 की। अब आपको सेक्शन भी याद करा देता हूँ साथ में, क्योंकि सेक्शन ही पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो क्योंकि डी और ई में सेम आंसर दे देगा नहीं तो। तो पहले का है SS/ST, ना लेने का 20,000, ना लेने का 2,00,000, ना देने का 20,000, DDAE, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्या है, डी है, पेनल्टी डी की है फर्स्ट वाले की। सेकंड वाले क्या है, अच्छा ये टी की पेनल्टी है ना, ये तो ई की पेनल्टी है, मत हाँ सॉरी हाँ मतलब वही बोल रहा हूँ, DDAE, मैं डर गया था, ये 2CNT वाला है सेक्शन, तो ये देने वाला है, तो इसमें ई DDAE, अब नीचे वाली रहेगी DA की पेनल्टी, ठीक है। क्या है, DDAE, क्योंकि एक सेक्शन में आया इसलिए याद करा दे रहा हूँ, तीन पेनल्टी तो याद हो गई आपको, और तीन सेक्शन भी याद हो, कौन से, SS/ST, ठीक है। 23,000 की पेनल्टी अपन ने गिने, 15,000 और 8,000 रुपये कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3। अब 2.3 क्वेश्चन में क्या बोलता है, हैज MCS प्राइवेट लिमिटेड वायलेटेड एनी प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हाइल रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम मिस्टर श्याम एंड मिस्टर अखिल, इफ यस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। लेने की बात चल रही है, ग्रीन किधर है, ग्रीन इधर है। MCS प्राइवेट लिमिटेड हैज आल्सो रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ ₹2,00,000 फॉर सर्विसेज रेंटेड टू मिस्टर श्याम थ्रू बियरर चेक, बाप रे, ऑल्सो ही रिसीव्ड कैश ऑफ ₹90,000 फॉर सर्विसेज रेंटेड टू मिस्टर अंकित। अब 2CNS जो 2CNST है उसकी लिमिट कितनी है, बीच वाला क्या था, न लेने का कितना, 2,00,000 रुपये, तो 2,00,000 रुपये तो गया, 90,000 गया क्या, नहीं गया, तो ST की लिमिट कितनी है, 2,00,000 है, तो यस कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 2CNS ऑन रिसीविंग पेमेंट ऑफ मिस्टर श्याम पेनल्टी ऑफ 2,00,000 अंडर सेक्शन 271 DA, DDAE, नो कॉन्ट्रावेंशन ऑन रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम मिस्टर अखिल, क्यों, क्योंकि अमाउंट है कितना, 90,000, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है 2.4, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर AY 21-22 एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी लेवियबल इफ द कंपनी डज नॉट फाइल इट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो डेट तो अपने को पता है 30/9/21, और पेनल्टी कितनी लगती है, पेनल्टी अंडर सेक्शन 271B इज 0.5% ऑफ टर्नओवर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,50,000 रुपये। तो ये वही क्वेश्चन है, इसकी पेनल्टी 271B की होती है, किसकी, टैक्स ऑडिट की। कौन सेक्शन में होती है पेनल्टी, 271B, कौन सेक्शन में होती है, 271B। सब याद करा दे रहे हो सर, आप तो ऐसा मत करो सर, चीटिंग करो, याद करा दे रहे हो सब, आपने याद कराने की बात नहीं किए थे, ठीक है करा देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं। तो अब है सेक्शन, क्वेश्चन 3 है। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए ICAI ने, क्या सोच के बनाए, बच्चे बेचारे कैसे करेंगे सॉल्व, ये पेपर में आ गया ना तो पहले MCQ सॉल्व करना, केस सिनेरियो बाद में सॉल्व करना, अगर सामने सामने दिख रहा है एकदम दिखा हुआ आंसर है कि भाई ये तो ऐसे मतलब बन रहा है चुटकी में एकदम, तो तुरंत कर लेना, बट अगर थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है ना भाई थोड़ा डिफिकल्ट है तो थोड़ा रुक जाना, पहले MCQ सॉल्व करना, फिर बचाओ टाइम देना उसको, और टाइम सोच के देना, क्योंकि इसमें 20-25 मिनट भी लग सकता है अगर कैलकुलेशन वाले पार्ट रहे तो, ठीक है। क्योंकि देखो ना कितने बड़े बड़े क्वेश्चन दिया यार, ICAI कुछ भी करता है कभी कभी, पर ठीक है लेवल बढ़ा रहा है पेपर का, तो अच्छी बात है, अच्छे CAs बाहर आएंगे। तो फर्स्ट अब ये डिटेल्स दी हुई है, ABN कंपनी फर्म है, LN कंपनी फर्म है, PQN कंपनी LLP है, XN कंपनी फर्म है, इनका बिजनेस रिटेल का बिजनेस क्या क्या का, मर्केंटाइल कैश, मर्केंटाइल कैश, ये टर्नओवर है इनका, ये RTGS से मिला है पैसा, ये कैश में पैसा मिला है, ये RTGS से मिला है 1/4/2021
2/31/7/2021 मतलब साल खत्म होने के बाद आरटीजीएस से मिला है, ठीक है। पर जहाँ मतलब ये बेसिकली क्यों दिया है, जहाँ मर्केंटाइल है वहाँ चलेगा ये भी। वर्किंग पार्टनर सैलरी दी है, इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट दिया है, नंबर ऑफ व्हीकल्स ओन दी है। मतलब इतना आप देख के आपको समझ गया होगा कि 44AD और AE वाला खेल है इसमें पूरा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट मे बी अज्यूम दैट पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट आर ऑथराइज बाय पार्टनरशिप डीड रिलेट्स टू पीरियड आफ्टर पार्टनरशिप डीड एंड इज विद इन लिमिट्स। हाँ मतलब ये भैया सब सही है इसमें, जो भी ऑथराइज है सब कुछ, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ व्हीकल्स ओन बाय, अब डिटेल्स ऑफ व्हीकल दिए, 8,000 वाला, किलो वाला, एक व्हीकल है, ये व्हीकल है, सबकी डिटेल्स दी है, ठीक है। अब इसमें फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फोर एंटिटीज आर एलिजिबल टू डिक्लेयर टैक्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसमें प्रिजम्पटिव कौन कौन कर सकता है भैया? फर्म, फर्म, एलएलपी फर्म, कौन कौन कर सकती है बताओ? सोचो सोचो सोचो, किसको किसको एप्लीकेबल रहता है? देखो एलिजिबल एस सी अंडर सेक्शन 44AD कौन कौन है? इंडिविजुअल, एच यू एफ, फर्म, एक्सेप्ट एलएलपी। याद कर लो भैया, मेरे को बहुत पहले याद कर रहे थे, मैंने इंटर में याद किया था, ये बहुत जगह काम आया, मैंने उसमें भी लिख के आया था, कहाँ पे, CS के पेपर में, डिस्टिंग्विश बिटवीन में, फॉर्म LLP में ये लिख के आया था कि उसको 44AD एप्लीकेबल नहीं है, मार्क्स आ गए थे उस दिन मेरे को, ठीक है। तो LLP मतलब ये बताता बता क्यों रहा हूँ, याद रहे आपको, LLP को एप्लीकेबल नहीं है 44AD, याद रखना, ठीक है। अब व्हाट इज द बिजनेस इनकम टू बी डिक्लेयर्ड बाय एपीएन कंपनी एंड पीक्यू एन कंपनी फॉर एवाई 21-22 अज्यूमिंग दैट द एंटिटीज विश टू मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग विदाउट डायरेक्टिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड नहीं है, मतलब 44AD में इनकम डिस्क्लोज कर दो। अब कौन सी कंपनी को करना है? एबीएन कंपनी एंड पीक्यूएन कंपनी। एबीएन कंपनी कहाँ हो भैया आप? ये है एबीएन कंपनी एंड ये है पीक्यूएन कंपनी। अब पीक्यूएन कंपनी है तो एलएलपी है, 44AD एप्लीकेबल नहीं है, तो 4.5 लाख का 4.5 लाख यहाँ पे आ जाएगा आंसर सीधा, ठीक है। अब एबीएन कंपनी का अपन देखते हैं किधर, इधर इसका टर्नओवर कितना है? 150 लाख, कितना? 200 लाख है आरटीजीएस से, 150 लाख है, 30 लाख कैसे कैश से, 20 लाख आरटीजीएस से। तो ये 150 लाख पे और ये 20 लाख पे, ये 20 लाख बाद में रिसीव हुआ है 1/4/21 से लेके 31/7/21 के बीच में, बट क्योंकि मर्केंटाइल सिस्टम है इसलिए इसको भी लेंगे अंदर अपन, किसमें? साल के अंदर में इनकम में। तो इसका 6%, इसका 6% और इसका 8%। कहाँ हो भैया आप? हाँ 170, मतलब 150 और 20, 170 का 6%, 30 का 8%, 12.6 लाख, 12.6 लाख आंसर है कि नहीं? 3.3, व्हाट इज द बिजनेस इनकम टू बी डिक्लेयर्ड बाय एलएमएन कंपनी फॉर एवर 21-22 अज्यूमिंग दैट द फर्म विशेस टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। अब एलएम कंपनी क्या है? एलएम कंपनी 44AE वाला है भैया, ये थर्ड वाला, ये सेकंड वाला। अब इसमें आपको करना है बिजनेस ऑफ हायरिंग निकालना है। अब सर ये भी आप निकाल के दे दो, ठीक है भैया निकाल देता हूँ। तो ये क्या है? अब इनकम अंडर 44AE क्या होती है याद करा देता हूँ, याद ही होगी तो आपको। हैवी गुड्स व्हीकल केस में 1,000 पर टन पर मंथ और पार्ट, और अदर व्हीकल केस में 7,500 रुपये रुपीज पर मंथ और पार्ट, ठीक है। अब कितने व्हीकल्स है अपने पास? ये है 8,000 वाले 3। अब ना नंबर ऑफ मंथ्स कहाँ से काउंट करते हैं? डेट ऑफ परचेज से काउंट करते हैं। डेट यहाँ से काउंट करते, कहाँ से? डेट ऑफ परचेज से, मतलब जब से ओन किया तब से काउंट करते हैं, डेट ऑफ यूज का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 44AE में, ये बात याद रखना। अगर ये क्वेश्चन वहाँ पे आता पेपर में तो आप कन्फ्यूज जाते, डेट ऑफ परचेज नहीं सर कि डेट ऑफ मतलब फर्स्ट पुट टू यूज लें, तो ये बात याद दिला रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ आपको, ये ट्रिकी पॉइंट है क्वेश्चन में कि डेट ऑफ परचेज ही लेना पड़ेगा आपको, मतलब परचेज मतलब जिस दिन से ओन किया उस दिन से, ठीक है। तो यहाँ से अपन वो काउंट करेंगे मंथ, और पर मंथ और पार्ट होता है। अभी 28/5 से मतलब मई का भी काउंट होगा, मतलब अप्रैल और अप्रैल छोड़ के बाकी सब काउंट हो, तो 11 मंथ का, इधर 8, 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 5 महीने, 4 महीने। अभी मंथ आप घर पे काउंट कर लेना, इतना आता ही होगा आपको, पर मंथ और पार्ट करना है, ठीक है। अभी 3 व्हीकल है, 2 है, 1, 1, 1, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने डाल दिए 7,500 × 3 × 11, 7,500 × 2 × 9, 7,500 × 1 × 8, 7,500 × 1 × 7, 7,500 × 1 × 5, 13,000 ×, अब ये हैवी गुड्स व्हीकल है। अब हैवी गुड्स व्हीकल कितने किसके ऊपर होती है? 12,000 टन के ऊपर, तो 12,000 टन को उसमें नहीं लेते, ये भी एक ट्रिकी पॉइंट है यहाँ पे। तो 12,000 को उसमें नहीं लेंगे हैवी गुड्स में, उसको तो नॉर्मल में ही लेंगे। सिर्फ 13,000 जो है इसको हैवी गुड्स मानेंगे, क्योंकि 12,000 के ऊपर वाला होता है, इक्वल टू नहीं रहता, ऊपर वाला रहता है। ये भी एक ट्रिकी पॉइंट है, यहाँ भी गलती कर सकते हैं बच्चे। तो अब 13,000, क्योंकि जो आंसर यहाँ पे आ रहे हैं ना वो उससे भी आएंगे, 12,000 को लेंगे तब भी आएंगे आंसर, ठीक है, मतलब बचे हुए आंसर्स में से।
तो अब ये 631, इसको अपन अगर कैलकुलेट करेंगे पूरा तो ये आता है 636,500। ठीक है, तो ये आंसर 636,500 आंसर है ना? नहीं सर, यहाँ पे तो ये दिया है सी आंसर, पर सर यहाँ पे तो हमने सही किया है, ये कैलकुलेशन तो सही है सर, कैलकुलेशन सही है बता रहा हूँ आपको। तो ये 436,500 क्यों आएगा सर आंसर? मैंने गलती कर दिया क्या? बताओ बच्चों बताओ, ऐसे ने गलत तो नहीं दिया ना आंसर? देख रहे थे, चेक कर रहे थे क्या आंसर, 436,500 ही देख रहा है यार। क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ आइडिया है आपको? बताओ ना, समझ में आ रहा है कुछ? सोचो, देखो इस पे ना बहुत देर अटका रहा मैं, बहुत देर, मतलब बहुत छोटा सा बहुत गंदा पॉइंट है, उसमें बहुत देर अटका रहा मैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये भैया आए इधर, ये हो गए बड़े, ठीक है। क्या होता है 41AE में ना, आपको पार्टनर्स की सैलरी और इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलता है, जो कि 44AD में नहीं मिलता। जो 40B वाले डिडक्शन रहते हैं ना, वो 44AE में मिलते हैं, स्पेसिफिकली सेक्शन में लिखा है, जबकि ये चीज 44AD में नहीं मिलती। ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है, बहुत देर तक मुझे याद नहीं आ रहा था, आपको भी पक्का याद नहीं आता ये, तो आपको याद करा रहा हूँ ये चीज़ कि 44AE में मिलता है, 44AD में नहीं मिलता है। ठीक है, तो 636,500 से 2,00,000 माइनस हो जाएगा, 436,500 आंसर है, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है? 436,500। बहुत ट्रिकी पॉइंट है, पर ऐसी आईसी है कहीं कहीं आपको वो परेशान करेगी, वहीं मार्क्स काटेगी। ठीक है, अब व्हाट इज द इनकम टू बी डिक्लेयर्ड बाय एक्स एंड एक्स वाई एंड कंपनी अंडर द हेड पीजीबीपी फॉर ईयर 21-22, अज्यूमिंग दैट द फर्म विशेस टू मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग विदाउट गेटिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ कौन सा, ये रेड टाइप का कलर, येलो टाइप कलर जो है, ऑरेंज टाइप का यहाँ है। 50 लाख की एक्स वाई एंड कंपनी फर्म है, 50 लाख की उसकी टर्नओवर है, तो अगर मैक्सिमम करना है विदाउट शोइंग, विदाउट टैक्स ऑडिट, तो अपन 44AD लगा देंगे, 50% ऑफ 50 लाख, 25 लाख। तो वही आंसर है आपका, 25 लाख रुपए। ठीक है, जहाँ जहाँ समझाने की जरूरत नहीं है वहाँ नहीं समझा रहा हूँ मैं, जहाँ जरूरत है वहाँ पूरा समझाऊंगा, पर जहाँ एकदम ऑब्वियस आंसर से वहाँ नहीं समझाऊंगा। अब वुड योर आंसर टू क्वेश्चन 3.3 एंड 3.4 चेंज इफ द फर्म्स डिसाइड टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड? हाँ भैया चेंज होंगे, ऑडिटेड करेंगे तो ये 44AD मत लगाएंगे अपन, पहले देखेंगे उससे कि कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि अगर जैसे 44AD में 8% से या 6% से कम होता है प्रॉफिट दिखाते हैं अपन, तो ऑडिट कराना पड़ता है ना, इसलिए बोल रहा है। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि हाँ चेंज होंगे आंसर। क्वेश्चन 3 भी खत्म हो गया सर, बहुत बड़े बड़े हैं ये बेटा, अपन बहुत जल्दी कर रहे हैं, अगर आप अकेले में बैठते तो बहुत टाइम लगता था। ठीक है, फोर्थ, मिस्टर हरी अ प्रॉपर्टी डीलर, डीलर नहीं डीलर, सोल्ड अ बिल्डिंग इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड मिस्टर राजेश हु इज द डीलर इन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स। मतलब किसको बेचा है, मतलब किसने बेचा है? प्रॉपर्टी डीलर ने बेचा है। किसको? अपने दोस्त को, राजेश को, 100 लाख में, बाजू का मत पढ़ना अभी। व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वॉज 120 लाख, ठीक है, जिस दिन बेचा उस दिन। द एग्रीमेंट वॉज हाउ एवर एंटर्ड इन टू ऑन 1/9/2020, 1/9/2020 में इनका एग्रीमेंट हो चुका था, ठीक है, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या थी? 110 लाख। ठीक है, मिस्टर हरी हैड रिसीव्ड अ डाउन पेमेंट ऑफ ₹15 लाख बाय NEFT फ्रॉम मिस्टर राजेश ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। मिस्टर हरी हैज़ परचेस्ड अ बिल्डिंग फॉर 50 लाख ऑन 12/7/2019, मतलब 50 लाख में बिल्डिंग खरीदा था, 100 लाख में बेचा है, 120 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिस दिन बेचा उस दिन की, 110 लाख डेट ऑफ एग्रीमेंट की, और डेट ऑफ एग्रीमेंट 15 लाख रुपये दिया है। ठीक है, अब मिस्टर हरी ब्रदर मिस्टर रवि अ रिटेल ट्रेडर सोल्ड अ रेसिडेंशियल हाउस टू मिस्टर वेलिश अ होलसेल ट्रेडर फॉर ₹50 लाख। अब मिस्टर रवि कौन है? रिटेल ट्रेडर है, नॉर्मल किसी भी चीज़ का। उसने अपना रेसिडेंशियल हाउस बेचा किसको? मिस्टर वल्लेश को, होलसेल ट्रेडर को। व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 70 लाख, द एग्रीमेंट वाज हाउएवर एंटर्ड ऑफ 1/8/2020 व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 55 लाख। मिस्टर रवि हैड रिसीव्ड अ डाउन पेमेंट ऑफ 5 लाख बाय अ क्रॉस चेक फ्रॉम मिस्टर वल्लेश। कहीं से मिला? क्रॉस चेक से मिला, सुन लो, नहीं कुछ हिंट नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ सुन लो। फ्रॉम मिस्टर वल्लेश ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट मिस्टर रवि हैज परचेज द बिल्डिंग फॉर 32 लाख ऑन 17/8/2019।
अब क्वेश्चन आंसर करने हैं अपने को. फर्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हरी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग टू मिस्टर राजेश एंड अंडर विच हेड इट इज टैक्सेबल. किसका? मिस्टर हरी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग मिस्टर राजेश. ये पहला वाला रेड रेड है ना, रेड में जाओ इधर किधर अभी ऊपर चलेगा. हाँ, अब क्या हुआ कि 100 लाख में बेचा है पर डेट ऑफ एग्रीमेंट पे एसडीवी कितनी थी 110 लाख. ठीक है, अब डेट ऑफ एग्रीमेंट जिस दिन बेचा उस दिन तो 120 लाख थी पर डेट ऑफ एग्रीमेंट एक पहले की है. तो जब 50C के केस में या फिर 43CA के केस में ऐसा होता है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ सेल अलग अलग हो तो कौन सी डेट लेते हैं? डेट ऑफ एग्रीमेंट. अगर कंसिडरेशन पे किया जाता है डेट ऑफ एग्रीमेंट पे थोड़ा सा भी बाय NEFT और अकाउंट पे ही चेक अदर देन कैश और क्रॉस चेक, मतलब ये वही वाला है ना अकाउंट पे ही चेक जो अज्यूम किया था मैंने आपके लिए. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अपन डेट ऑफ एग्रीमेंट का SDB लेंगे. क्यों? क्योंकि उस दिन डाउन पेमेंट कर दिया था उसने 15 लाख से. काय से? NEFT से डाउन पेमेंट किया था. तो 110 लाख के SDB लेंगे. अब मुझे बताओ कि 100 लाख की आपकी सेल वैल्यू है, SDV कितना है? 10 लाख, 110 लाख का. तो 43CA के हिसाब से वैल्यू लेना चाहिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, पर ये 110% ऑफ कंसिडरेशन तक ही है, उससे ज़्यादा है क्या? नहीं है. अगर ऐसा होता है, उतनी अलाउबल बैंड है आपको, तो उस केस में आपकी मतलब सेल कंसिडरेशन कितनी रहेगी? 100 लाख रहेगी. तो याद रखना 3 पॉइंट आ गए इसमें एक ही क्वेश्चन में, डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली चीज़, स्टैम्प ड्यूटी वाली वैल्यू वाली चीज़, ठीक है, प्लस वो जो 110% वाला है ना वो चीज़, मतलब इतने सारे पॉइंट डालते हैं एक ही क्वेश्चन में. तो 100 लाख में से 50 लाख गया 50 लाख, क्योंकि इसमें आंसर सब दिया है, 60 लाख 70 लाख सब आंसर दिया है. तो आप कुछ गलत भी करोगे तो सही आंसर आएगा, ऐसे MCQs रहते हैं. ठीक है, तो अब ये आप सोचोगे सर हम ऐसे इसमें करेंगे क्या, तो इससे ना MCQ प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं जहाँ तक मेरा बिलीफ है. ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके कॉन्सेप्ट्स आप एकदम फुल प्रूफ रखो, एकदम स्ट्रांग रखो, उस केस में ही आप MCQs में मार्क्स स्कोर कर पाओगे. क्योंकि आप जो MCQs पढ़ के जा रहे हो ना वैसे MCQs नहीं आने वाले. अभी ICAI बुकलेट ने पहली बार निकाला है इसलिए अपन करके जाना सॉल्व जरूरी है इसको, नहीं तो मैं ये करने बोलता भी नहीं आपको, पर पहली बार निकाला इसलिए अपना करना जरूरी है क्योंकि ICAI का भरोसा नहीं, पहली बार निकाला दे देते हैं ICAI उसमें से. तो ये करना जरूरी है, पर ज़्यादा MCQs सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको. जितने केस सिनेरियो वो कर लो, जो MCQ ICAI अभी बुकलेट निकाली वो कर लो, बाकी कुछ मत करना. क्योंकि आपके अगर कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग है ना तो आपका MCQ पक्का बनेगा, दैट्स माय गारंटी. वो मैं पक्का फॉर श्योर हूँ उस चीज़ के लिए. प्रैक्टिस के लिए अपन जो करना चाहते हो वो अपने MTP RT पर इसमें हो जाएंगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की बात नहीं है. अलग से बैठ के 1500 MCQ सॉल्व मत करना, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है. ठीक है, इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश इन रिस्पेक्ट ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शन, इफ सो व्हाट इज द अमाउंट अंडर विच हेड इज टैक्सेबल. मतलब ये जो राजेश को सेल हुई है 100 लाख में, तो ये उसके हाथ में कुछ टैक्सेबल है क्या? नहीं है भैया, हमने 100 लाख की सेल वैल्यू ली है ना. अगर 110 से 120 लाख लेते तो उसके हाथ में कितने IOS में टैक्सेबल रहता? तो सेल वैल्यू एंड अमाउंट पेड आर सेम, नो एक्सेस अमाउंट, तो नो अमाउंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश. ठीक है, अब 4.3 क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रवि इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस टू मिस्टर फल्लिश अंडर विच द हेड इट इज टैक्सेबल. ये जो रेसिडेंशियल हाउस है ना, थर्ड क्वेश्चन कौन सा? ग्रीन, जो इसने बेचा है किसने? मिस्टर हरि के ब्रदर रवि ने रिवल्लिश को. ठीक है, अब ये बेचा है 50 लाख में. ठीक है, जब स्टैंड ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 70 लाख. द एग्रीमेंट ऑफ वॉज हाउ एवर एंटर्ड ऑन 1/8/20, मतलब एग्रीमेंट इसमें पहले ले लिया था. जब स्टैंड ड्यूटी कितनी थी? 55 लाख. मिस्टर रवि हैड रिसीव्ड डाउन पेमेंट ऑफ 5 लाख. डाउन पेमेंट हो गया है तो रेट ऑफ एग्रीमेंट लेना चाहिए. पर डाउन पेमेंट कैसे हुआ है सर? डाउन पेमेंट हुआ है क्रॉस चेक से. क्रॉस चेक के थ्रू नहीं होना चाहिए, ये अकाउंट पे ही चेक से होना चाहिए, नहीं तो NEFT RTGS होना चाहिए. क्रॉस चेक से वो तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर. तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की अपन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे क्या सर? नहीं लेंगे. डेट ऑफ सेल की लेंगे. डेट ऑफ सेल की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 70 लाख रुपये. ये लेंगे डेट ऑफ, ठीक है, डेट ऑफ एग्रीमेंट 1/8/2020 है तो अपन लेंगे 70 लाख, है ना. बहुत एनर्जी लगा देता हूँ. FEOC 70 लाख, कॉस्ट वैक्स 32 लाख था, 38 लाख का STCG. अब 4.4 क्वेश्चन पूछता है, इन एनी अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वल्लिश इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन. अभी इस केस में कुछ टैक्सेबल है क्या? टैक्सेबल है क्या बताओ? बताओ सर. ऑब्वियसली है, 50 लाख की बेचा है उसमें, 70 लाख स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है,
तो 20 लाख जो है ना वो टैक्सेबल होगा किसके हाथ में, मिस्टर वल्लिश के हाथ में, कौन से हेड में, आईओएस हेड में, ठीक है। फू 4.5 इज टैक्स डिडक्टेबल बाय मिस्टर राजेश एंड मिस्टर वल्लिश ऑन मेकिंग पेमेंट टू सेलर, होगा क्या? अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है, ये पिंक पर्पल जो है आपका पर्पल, फिफ्थ क्वेश्चन पर्पल कहाँ दिख रहा है, ठीक है 50 लाख से ऊपर है पर्पल, हाँ 50 लाख और मोर, 50 लाख और मोर, तो 50 लाख से ऊपर है तो TDS कटता है क्या? हाँ सर कटता है ना, काय में कटता है, TDS डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194IA एट 1% ऑफ सेल प्राइस व्हेन कंसिडरेशन इज 50 लाख और मोर, यस आंसर इज यस, है ना। तो आपका सेक्शन रिवाइज हो गया 194IA, 194IA काय का होता है, सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, कितना 1%, कितने लाख के ऊपर, 50 लाख के ऊपर, वाह। तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए, फिफ्थ क्वेश्चन, बाप रे बहुत बड़ा है, मतलब इतना बड़ा नहीं, इजी है, पर ये अपन आखिरी में करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। इसके पहले अपन करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। अब सर ये कौन सा क्वेश्चन है सर, बिजनेस ट्रस्ट का क्वेश्चन आ गया, बिजनेस ट्रस्ट ये तो सर हमको याद ही नहीं रहता सर, इसमें बहुत सारे वो है अलग अलग इंटरेस्ट डिविडेंड बहुत सारे, कोई बात नहीं मैं हूँ ना, मैंने सब प्रोविजन लिख दिया हूँ आपके लिए, इतना ईजी बना दिया हूँ कि मज़ा आ जाएगा। पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो भाई, अभी बताओ सर बहुत अच्छा क्यों आपने, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया उसमें। सर गिना रहे हो फिर से, हाँ गिना रहा हूँ। तो क्वेश्चन 6, अ बिजनेस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेबी रेगुलेशंस 2014 गिव्स पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स इनकम फॉर PY 2021। बीच में थोड़ी बातें कर लेता हूँ, आपको ब्रेक हो जाता है, मेरे को ब्रेक हो जाता है ना, बहुत सारा है क्योंकि इतने सारे कंसेप्ट एक साथ आ रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम जेड लिमिटेड, कितना, जेड लिमिटेड क्या है, अच्छा कंपनी जो SPV जिसमें अपन ने इन्वेस्ट की होगी, बिजनेस ट्रस्ट में, बिजनेस ट्रस्ट में जिसमें इन्वेस्ट की होगी जेड लिमिटेड वो है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम कितनी है, 10 लाख, डिविडेंड इनकम कितनी है, 5 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर कितना है, 4 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज 8 लाख, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज 1 लाख, रेंटल इनकम फ्रॉम डायरेक्टली ओन्ड रियल एस्टेट 20 लाख। जेड लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी इन विच बिजनेस ट्रस्ट होल्ड 100% ऑफ शेयर होल्डिंग, जेड लिमिटेड डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115BAA, ठीक है भैया। अब ग्रीन से हिंट आ गया होगा, थर्ड क्वेश्चन है, सब समझ रहे हैं आपको। अज्यूम दैट द बिजनेस ट्रस्ट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द एंटायर 48 लाख टू यूनिट होल्डर्स इन द प्रीवियस ईयर टू 2021 इन द मंथ ऑफ मार्च 2021, ठीक है 48 लाख पूरा दे दिया। मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट होल्डर होल्डिंग 100 यूनिट्स एंड मिस्टर वाई इज नॉन रेसिडेंट होल्डर होल्डिंग 500 यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 5000, ठीक है। अब इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम जेड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर्स एक्स एंड वाई, क्वेश्चन क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम जेड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर्स एक्स एंड वाई पूछ रहा है क्या किया है। तो अपन पहले पढ़ते हैं क्या क्या, कि कोई टैक्स डिडक्टेबल है कि नहीं, टैक्स डिडक्टेबल है मतलब ये है, तो अपन इसका ना रेड वाला पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इंटरेस्ट अमाउंट कितना गया है, 10 लाख रुपए गया है, किसको, यूनिट होल्डर्स को 10 लाख, कितनी यूनिट्स टोटल, कितनी यूनिट्स है, 5000 यूनिट्स है सर टोटल, 5000, एक्स के पास कितनी है 100, वाई के पास कितनी है 500, ठीक है। तो एक्स को कितना अमाउंट मिलेगा, 20000 इंटरेस्ट का, वाई को कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए। सर पर सर इंटरेस्ट पर TDS कितना डिडक्ट करते हैं सर, हमको तो याद ही नहीं सर, हम क्या करेंगे सर, बता दियो मैंने, TDS ऑन इंटरेस्ट पेड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर्स अंडर सेक्शन 194LBA इज नॉन रेसिडेंट एंड फाइनेंस फॉरेन कंपनी 5%, अदर 10%, कौन सेक्शन है 194LBA, TDS ऑन इंटरेस्ट पेड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर्स कितना, NRFC 5%, अदर 10%। अब फॉर पीरियड बिटवीन 14/5/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक रेट कितना चल रहा है भैया, 3/4 चल रहा है, मतलब 10% कितना होगा, 7.5%, ठीक है। तो टैक्स इज डिडक्टेबल एट 7.5% ऑन 20000, 20000 किसको मिले, एक्स को, एंड 5.2% किसका, NRFC का, क्योंकि NR कौन है, वाई है NR, उसको 1 लाख रुपये मिला है, 1 लाख पे NR को 5.2% कटेगा TDS प्लस सेस, है ना। अब 6.2, इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 4 लाख ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज एंड ₹8 लाख ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज, अब इसमें क्या होगा सर, अब कैपिटल गेन पे बिजनेस कितनी इनकम, मतलब कितना टैक्स लगता है,
आते क्या? नहीं आते, कोई बात नहीं। ब्लू है ना, ब्लू ढूंढो कहाँ लिखा है। देखो ब्लू यहाँ पे पहली बात, सेल ऑफ 4 लाख जो है वो 111A वाला है, STCG है। एंड जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना वो 111A वाला नहीं है। 111A वाला क्या होता है, इक्विटी ओरिएंटेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट, ये तीन पे होता है 111A। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ अदर इनकम ऑफ बिजनेस, ब्लू मिल गया अपने को। तो LTCG अंडर सेक्शन 112 मिलता है 20%, STCG अंडर सेक्शन 111A पे मिलता है 15%, और अदर इनकम पे मिलता है MMR कितना है 30% प्लस 37 प्लस 4 42.744। अब जो रेट्स है ना अलग 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 अलग, एक तो बिजनेस का चैप्टर है, इसका अगर आपको रिविजन चाहिए तो कमेंट में बताओ, इसका रिविजन बहुत बढ़िया तरीके से बनाऊंगा और सब कुछ याद करा दूंगा। दूसरा, जो सारे रेट्स है, सारे जितने अभी तक रेट्स आए हैं इनकम टैक्स में, आपको अगर पूरे कंपाइल्ड चाहिए एक जगह तो उसके लिए बताओ, उसके लिए वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करो, वो भी बना दूंगा आपके लिए। सब कुछ सही है, सब कर लेंगे अपन, ठीक है। तो अभी अपने को कहाँ वापस आते हैं अपन क्वेश्चन में, 4 लाख रुपए पे STCG कितना है 111A वाला है तो कितना रहेगा 15%, पर जो 8 लाख है वो कौन सा 111A नहीं है वो, तो उस पर कितना लगेगा अदर इनकम से MMR रहेगा। तो वही आंसर है आपका 15.6% एंड 42.744 रिस्पेक्टिवली, 4 लाख पे इतना, 8 लाख पे इतना, ठीक है। 6.3, द डिविडेंड कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम जेड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट होल्डर सेक्शन वाई। अब डिविडेंड का सर क्या होता है, सर बताओ ना सर, डिविडेंड इनकम में क्या होता है। डिविडेंड इनकम की कितनी हुई है पहले देख लो, 5 लाख रुपये डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है। तो 5 लाख पे सर कैसा टैक्स लगेगा, तो डिविडेंड रिसीव, यहाँ प्रोविजन लिख दिया मैंने पूरा ना। तो क्या होता है, जब डिविडेंड रिसीव होता है यूनिट होल्डर्स को बिजनेस ट्रस्ट से, तो क्या होता है, अगर SPV ने जो, जैसे क्या होता है, यूनिट होल्डर रहता है बिजनेस को पैसे देता है, बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्ट करता है काय में, SPV में, फिर SPV से इनकम आती है किसको, बिजनेस ट्रस्ट को, इंटरेस्ट और डिविडेंड की, और फिर बिजनेस ट्रस्ट किसको देता है, अपने यूनिट होल्डर्स को, ठीक है। तो अगर SPV ने टैक्स पे किया नॉर्मल रेट पे, ठीक है, तो डिविडेंड एग्जेम्प्ट रहता है किसके हैंड्स में, दोनों के हैंड्स में, किसके, यूनिट होल्डर्स के भी और बिजनेस ट्रस्ट के भी। अगर काय में SPV ने टैक्स पे किया नॉर्मल रेट में, तो यूनिट, बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट होल्डर्स के हाथ में इंटरेस्ट और सिर्फ डिविडेंड। अगर बिजनेस SPV ने नॉर्मल टैक्स रेट्स पे किया है, तो बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड एग्जेम्प्ट रहता है। बट अगर SPV ने पे किया है टैक्स अंडर सेक्शन 115BAA एट द रेट 22%, तो क्या होता है, तो NR और फॉरेन कंपनी को, तो टैक्सेबिलिटी इन हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर के हाथ में अगर NRFC है तो उनके हाथ में 10% रहता है, और अदर को है तो उनके हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट से कटता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर SPV नॉर्मल रेट में किया है तो बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट होल्डर दोनों के हाथ में क्या है, डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। पर SPV ने अगर 115BAA में टैक्स पे किया है, तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में तो एग्जेम्प्ट रहेगा, एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, पर उसको TDS काटना पड़ेगा कितना, 10% से, पर यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल रहेगा। NR के हाथ में कितना परसेंट, 10%, और बाकी जो दूसरे लोग हैं, रेसिडेंट वगैरह, उनके हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट से काटेगा, ठीक है। तो अभी कलर सर अलग अलग क्यों किया, तो अपना कलर क्या मतलब है, पिंक ग्रीन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन का है, ये ऑरेंज टाइप कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन का है। अब थ्री क्वेश्चन देखो कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन कि क्या होगा डिविडेंड कंपोनेंट का, तो इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, ठीक है। अब मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जो आंसर है वही पढ़ रहा हूँ ना, ठीक है। इफ जेड एक्साइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAA, अच्छा हाँ एक मिनट रुको, अपना थर्ड का आंसर डी क्यू होगा, क्योंकि अपन यहाँ देखो क्वेश्चन में, जेड लिमिटेड डज नॉट ऑप्ट टू पे अंडर सेक्शन 115BAA, ये बताना भूल गया था सॉरी, जेड लिमिटेड डज नॉट ऑप्ट टू पे सेक्शन, मतलब पे टैक्स अंडर सेक्शन 115BAA। तो अपन अभी पढ़े हैं कि अगर वो BAA में नहीं करता है, नॉर्मल टैक्स रेट्स में करता है, तो क्या रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है। इसलिए आंसर क्या है, इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। बट अब सेक्शन क्वेश्चन फोर क्या पूछता है, कि अगर जेड लिमिटेड एक्साइज ऑप्शन करता है 115BAA वाला, तो क्या होगा, ये बाकी लोग के लिए बहुत टफ है क्वेश्चन, पर अपन ने पढ़ लिया इसलिए अपने लिए इजी है। क्या होगा, इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, सिंस ट्रस्ट एंजॉयज द पास थ्रू स्टेटस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्स एंड वाई, यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल रहेगी इनकम, ठीक है। अब 6.5 है,
इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स। ये कौन सा है? फिफ्थ क्वेश्चन है। पर्पल कलर कहाँ है? ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज। अब ये अदर इनकम है, ये टैक्सेबल रहती है MMR पे, अभी अपन ने पढ़े थे, तो अदर इनकम सीधे सीधे टैक्सेबल हो जाएगी MMR पे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का सी आंसर। अब 6.6, द रेंटल कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट एसेट्स रिसीव्ड बाय द बिजनेस ट्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स यूनिट होल्डर्स एक्स एंड वाई वुड बी। अब जो रीट की बिजनेस में जो रीट होती है, ये रीट ही है ना, ध्यान रखना है, जो दिया है ना क्वेश्चन में रीट है। ठीक है, तो इसकी जो रेंटल इनकम होती है ना, उसके भी एक सेक्शन है। ठीक है, वो अपने लिख दिया यहाँ पे। अब 6.6 क्वेश्चन है, ये अकेला क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा अलग कलर है, ये कलर मैंने ऊपर दिया ही नहीं हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। रेंटल इनकम ऑन एसेट्स ओन्ड बाय बिजनेस ट्रस्ट, उसकी रेंटल इनकम क्या होता है? बहुत ही टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। ठीक है, बट एग्जेम्प्ट होती किसके हाथ में? बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में। और बिजनेस ट्रस्ट को डिडक्ट करना, अब जब टैक्सेबल है किसके हाथ में? यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल है, तो बिजनेस ट्रस्ट को डिडक्ट करना पड़ेगा TDS अंडर सेक्शन 194 LBA। NRFC के हाथ में रेट इन फोर्स से और अदर्स के हाथ में 10%। अब 10% का 3/4 कटेगा बिटवीन 14520 से लेकर 31321 तक। तो 6.6 का क्वेश्चन का आंसर है डी, सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर एक्स एंड वाई। ठीक है, अपन ने पढ़े अभी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स एक्स एंड वाई। बिजनेस ट्रस्ट हैज टू डिडक्ट TDS, अपन ने पढ़े कितना? NRFC के हाथ में रेट इन फोर्स से, तो रेट इन फोर्स ऑन 2 lakh डिस्ट्रीब्यूटेड टू वाई NR है, और 10% का 3/4 7.5% किसके हाथ में कटेगा? एक्स के हाथ में 40,000 पे। ठीक है, इनको रेंटल इनकम मिली 40,000 2 lakh, ये ऊपर दी होगी क्वेश्चन में। देखो रेंटल इनकम 20 lakh की है, तो उसमें से इनको 40,000 2 lakh मिली है। ठीक है, 40,000 2 lakh किस केस कैसे मिली है इनको? यूनिट के हिसाब से मिली होगी, यूनिट हिसाब से मिली है। 20 lakh डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट्स इनटू, हाँ यूनिट हिसाब से मिली है, इसके पास 100 यूनिट है, तो 100 40,000 और 20 lakh डिवाइडेड बाय 5,000 इनटू, इसके पास कितनी यूनिट है? वाई के पास है 500 यूनिट, तो इसको मिली 2 lakh रुपये। ठीक है, ये भी यूनिट के हिसाब से मिली रेंटल इनकम भी, डिवाइड बाय 5,000 इनटू यूनिट जितनी है 40,000 2 lakh। ठीक है, अब हो गए 6 क्वेश्चन, मतलब 5 ही हुए हैं एग्जैक्टली, तो 5 के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले रहे अपन। आग भी पानी पी लो, मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि बहुत गलत दुख रहा है। मज़ा आ रहा है ना, मतलब कैसा लग रहा है? मतलब जनरली अगर अच्छा लग रहा होगा तो, अभी तो वीडियो रुका हुआ है, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे अपन, तो कमेंट करो तो बता दो कैसा लग रहा है। मैं कमेंट पे इतना क्यों वो कर रहा हूँ, क्योंकि पता है कि मैंने मेहनत इतनी की है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आपको अगर पसंद आ रहा है ना, तो मुझे एटलीस्ट पता चल जाएगा वो पसंद आ रहा है, तो यार थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अपना इतनी मेहनत सफल हो गई, इसलिए बस कमेंट के लिए बोल रहा हूँ बार बार, तो वो जज कर लोगे सर इतने बार कमेंट करने बोल रहे हैं। और ना मैं थोड़ा सा आज नेचुरली पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं जब बाकी टाइम पे बाकी लेक्चर में थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ, बट आज इतना एक्साइटेड हूँ ना, मैं बहुत नेचुरली पढ़ा रहा हूँ, जो नेचुरली जैसे मैं रहता हूँ वैसे ही आपसे वीडियो में बात कर रहा हूँ पूरा, तो आई होप यू डोंट माइंड दिस। अगर पसंद नहीं आएगा तो बता देना भाई, इसको भी चेंज कर लेंगे, आपके लिए सब कुछ जायज़ है। ठीक है, सांस ले लिए, मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, मेसर्स एमएनओ लिमिटेड इज अ फर्म लायबल टू टैक्स एट 30%, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड अंडर सेक्शन 131 40 lakh, डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143(1)(a) 50 lakh, असेस्ड अंडर सेक्शन 143(3) 65 lakh 65 lakh, समझ रहे हैं आपको हिंदी, एंड रीअसेस्ड अंडर सेक्शन 147 85 lakh। आपको ये पैटर्न देख के समझ में आ गया होगा कि ये पेनाल्टी का क्वेश्चन है। सर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में, गॉड नोज एंड आई से नोज, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो भाई पेनाल्टी याद करनी पड़ेगी आपको, कैसे निकालते हैं। ठीक है, करा दूंगा। मिस्टर एन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एट द एज ऑफ 58 ईयर्स एंड अ पार्टनर ऑफ द अबव फर्म हैज नॉट फर्निश्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम, हाउएवर हिज टोटल इनकम असेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ईयर अंडर सेक्शन 144 इज 15 lakh।
ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अब। मेसर्स एमएनओ इज डीम्ड टू हैव अंडर रिपोर्टेड हिज इनकम सिंस। अब देखो एमएनओ ने इनकम अंडर रिपोर्ट कब किया है क्या, तो देखो जो इनकम इसकी 143 है ना, वो 143 वन एज ज़्यादा है, ठीक है, और जो 147 में आई है वो 143 से ज़्यादा है। मतलब ये दोनों फैक्टर है जिससे आपको पता चलता है कि इसने अंडर रिपोर्ट किया है, अंडर रिपोर्टिंग हुई है। इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 वन ए एक्सीड्स इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न ऑफ इनकम। इसको अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानते क्योंकि ये गलती होती है जो 143 वन में ठीक हो जाती है। अगर आप कुछ गलती करो तो 143 वन का जो समरी असेसमेंट होता है वो उसमें सब ठीक हो जाता है, तो उसको अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानते। अगर 143.3 में आपकी इनकम ज़्यादा आती है 143.1 से तो उसको अंडर रिपोर्टिंग मानते हैं, एंड 147 में आती है जो रीअसेसमेंट होता है उसमें 143.3 से ज़्यादा तो उसको मानते हैं। अब आपको मोस्टली मैं एज्यूम कर रहा था आपको सेक्शन याद होंगे, तो 143.1 का समरी असेसमेंट होता है, बता देता हूँ, 143.3 होता है स्क्रूटिनी, ठीक है, 147 होता है रीअसेसमेंट, ठीक है, कि बेसिक सेक्शन याद होने चाहिए आपको। अगर नहीं याद होंगे यार अभी तक तो अभी याद कर लो। तो ये अंडर रिपोर्टिंग दो रीजन कारण हुई है, ये दोनों रीजन कारण। सेक्शन 7.2, मिस्टर एन इज डीम्ड टू हैव अंडर रिपोर्टेड हिज इनकम सिंस हिज अ पार्टनर ऑफ फर्म विच इज अंडर रिपोर्टेड इनकम। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ही हैज नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम, सही बात है, हिज असेस्ड इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्ज टू टैक्स। हाँ दोनों है, 2 और 3। अगर आपकी इनकम से ज़्यादा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा आपकी इनकम है और आप अगर रिटर्न नहीं भर रहे हो, मतलब आपने अंडर रिपोर्टिंग की है, ठीक है, आपने रिटर्न भी इनकम फाइल नहीं किया आपका, ये दोनों पॉइंट है 2 और 3। देखो ना इसने इनकम फर्निश नहीं किया है और इसका जो असेसमेंट में आई है 15 लाख आई है जो बेसिक एग्जम्पशन के ऊपर है। आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो क्या होता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है ना, बीजेए अंडर सेक्शन 144, याद है कि नहीं, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं किया तो 144 होता है सीधे। तो दो क्वेश्चन हो गए अपने। थर्ड क्वेश्चन है, अज्यूमिंग दैट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग एंड नन ऑफ द एडिशंस और डिसअलाउंसेस मेड इन असेसमेंट क्वालिफाइज अंडर सेक्शन 270A सबसेक्शन 6 पेनल्टी लेवियबल ऑन MSMNO अंडर सेक्शन 270A एट द टाइम ऑफ असेसमेंट वुड बी। अब देखो क्या बोल रहा है कि अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग नहीं है, ठीक है। अब अंडर रिपोर्टिंग में होता है 50% और मिस रिपोर्टिंग में होता है 200%। आपको याद है ये चीज़, याद हो गई सर, हाँ याद है, नहीं याद है तो हो गई है। अंडर रिपोर्टिंग 50%, मिस रिपोर्टिंग में 200%, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ऐसा बोल रहा है कि कोई भी एडिशन या डिसअलाउंसेस 270A6 को क्वालिफाई नहीं करते। अब 270A6 क्या होता है, केसेस विच शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अंडर रिपोर्टेड इनकम, ठीक है, तो इसमें क्वालिफाई नहीं करता है कोई भी। अब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले अपन को अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालना पड़ेगा। कितनी अंडर रिपोर्टेड इनकम, 65 लाख माइनस 50 लाख, 15 लाख, ठीक है, ये आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब अपने को पेनाल्टी निकालना, तो पेनाल्टी कैसे निकालते हैं, 50% ऑफ टैक्स ऑन URI। अब टैक्स ऑन URI क्या हुआ, टैक्स ऑन URI प्लस इनकम असेस अंडर सेक्शन 143.1 माइनस टैक्स ऑन इनकम अंडर सेक्शन 143.1। मतलब बेसिकली 65 लाख माइनस 50 लाख, मतलब 65 लाख पर जो टैक्स लगेगा वो, 65 लाख पर जो टैक्स लगेगा वो, माइनस 50 लाख पर जो टैक्स लगेगा वो, समझ रहे हो। बट यहाँ मैं लिखा हूँ ऐसा, क्यों, टैक्स ऑन URI प्लस इनकम असेस अंडर सेक्शन 143.1 माइनस टैक्स ऑन इनकम अंडर सेक्शन 143.1। अब ऐसा लिखा क्यों हूँ, 15 प्लस 50, यहाँ आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा, है तो ये 65 ही, उतना ही निकालना है बस, प्लस पर मैंने 15 प्लस 50 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि 15 लाख URI है इसका, समझो आप, ठीक है। अब 15 लाख 50 हज़ार, मतलब 65 लाख पे आपका टैक्स निकलेगा, कैसे निकालेंगे, माइनस 10 लाख कर देंगे पहले, तो 55 लाख पे 30%, ठीक है, 16 लाख 50 हज़ार प्लस आपका 1,12,500 जो 10 लाख माइनस किए उसके शुरू के 10 लाख के, प्लस 4% सेस, कितना होगा, 18,33,000। अब 50 लाख पे ऐसे टैक्स निकाल लो तो आपका जो टैक्स ऑन URI आएगा 4,68,000 आएगा। पेनाल्टी कितनी रहेगी इसमें, 50% रहेगी, कितनी, 234। कहाँ है क्वेश्चन, ये है पेनाल्टी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7.4 क्वेश्चन, इसमें बोलता है कि अज्यूमिंग दैट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग पेनाल्टी एंड लेवेबल अंडर सेक्शन ऑन MNO अंडर सेक्शन 270A एट द टाइम ऑफ रीअसेसमेंट वुड बी। अब क्या बोल रहा है कि मिस रिपोर्टिंग है भैया,
तो मिस रिपोर्टिंग में क्या होता है, कितना परसेंट लगता है, 200% लगता है रीअसेसमेंट के टाइम पे, तो कितना अंडर यू आर आई, कितने आएगी अंडर रिपोर्ट इनकम, 85 माइनस 65 लाख, 20 लाख की आपकी आएगी। तो पहले निकालेंगे टैक्स ऑन 85 लाख माइनस टैक्स ऑन 65 लाख, ठीक है, टैक्स ऑन 85 लाख आएगा 24,57,000, आप कैलकुलेट कर लेना। और टैक्स एंड 65 तो 1833 अपने पहले निकाला है ऊपर ही, ठीक है, वहीं से ले लिया, तो आया कितना डिफरेंस 624, पेनाल्टी कितनी बनी 200%, कितना 1248 ये आंसर है कि नहीं इजी। अब अज्यूमिंग 10.5 बोलता है, अज्यूमिंग दैट द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग, द अंडर रिपोर्टेड इनकम ऑफ मिस्टर एन एंड पेनाल्टी लेवेबल अंडर सेक्शन एन ऑन मिस्टर एन अंडर सेक्शन 270A। तो अब मेरे को बताओ इसकी अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी हुई, किसकी, मिस्टर एन की, अब 15 लाख, क्यों 15 लाख होगी क्या, नहीं बेटा, अंडर रिपोर्टेड इनकम किसकी, जिसका जिसने ना इनकम रिटर्न फाइल नहीं किया होता है ना, उसकी क्या होती है, यू आर आई इन केस ऑफ इंडिविजुअल एच एफ इफ आर ओ इज नॉट फाइल्ड, इनकम असेस्ड माइनस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट उसकी अंडर रिपोर्टेड इनकम होती है। तो कितनी होगी, 15 में से 2.5 लाख या 12.5 लाख, बार बार ऊपर बोल रहा था ना यू आर आई क्यों मैं अलग से लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा था, ठीक है, 12.5 लाख उनकी यू आर आई होती है, ठीक है। अब टैक्स ऑन यू आर आई निकालना है, तो टैक्स ऑन यू आर आई प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट निकालते हैं इसमें, कहाँ पे, जब उनने रिटर्न फाइल नहीं किया होता है तब, क्या निकालते हैं, टैक्स ऑन यू आर आई प्लस बेसिक एग्जम्पशन। अब 15 लाख इसकी इनकम देखें, 15 लाख इसने नहीं बताया है, तो 15 लाख में से यू आर आई इसकी 12.5 निकली, 12.5 प्लस बेसिक एग्जम्पशन कितना होता है 2.5 लाख रुपये का, तो 15 लाख टैक्स ऑन 15 लाख कितना था 273, बट पेनाल्टी कितनी लगती है अंडर रिपोर्टिंग में 50%, तो 273 का 50% 13,500, तो इसका आंसर ये आएगा। अगर आप पेपर में जाते हैं ना और ये चीज़ मेरे से नहीं पढ़ते या फिर आपने ये चीज़ ध्यान नहीं दी होती, तो आप आंसर क्या लिख के आते पता है, ये सी 15 लाख और ये 136,500, क्यों, क्योंकि आपको ये याद ही नहीं होगा ये अंडर रिपोर्टेड इनकम की 15 लाख में से 2.5 लाख माइनस करना पड़ता है कि नहीं। तो बेटा मैं जो करा रहा हूँ तो आपको कुछ डिसएडवांटेज नहीं होगा कि आप खुद से नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली रहेगा, बट मोस्टली पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 सर क्या कहा गया, सर इन्वेस्टमेंट फंड, बापरे सर सारे क्वेश्चन ही टेस्ट कर लेंगे क्या इसमें, हाँ भैया अपन ने ऑलमोस्ट अभी से 15-16 कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, अभी खत्म करते करते 20-25 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे आपके इस MCQ सेशन में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फंड वन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ LLP हैज 35 यूनिट होल्डर्स होल्डिंग 2 यूनिट्स, ईच होल्डिंग 2 यूनिट्स, द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, बिजनेस इनकम 14 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 21 लाख, IOS 7 लाख, ठीक है। अनदर इन्वेस्टमेंट फंड टू इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कंपनी हैज 50 यूनिट होल्डर्स ईच होल्डिंग 4 यूनिट्स, ऑल यूनिट होल्डर हैविंग हेल्ड द यूनिट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। द पर्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड टू इज बिजनेस लॉस 10 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस 20 लाख, इनकम 10 लाख, ठीक है। अब आंसर करना है सर, पर इन्वेस्टमेंट फंड के सर हमको तो प्रोविजन ही याद नहीं है सर, क्या होता है सर, कैसे होता है, भाई कराएगा सर, कराएंगे मतलब। तो क्या होता है यूनिट होल्डर, इसमें क्या होता है इन्वेस्टमेंट फंड में, यूनिट होल्डर के हाथ में ऑल इनकम टैक्सेबल होती है एक्सेप्ट PGBP, और इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में ऑल इनकम एग्जेम्प्ट होती है एग्जेम्प्ट PGBP, मतलब PGBP हाथ में किसका टैक्सेबल होगी, इन्वेस्टमेंट फंड के, और बाकी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, यूनिट होल्डर्स के हाथ में। फिर से बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, PGBP, और बाकी यूनिट होल्डर्स के हाथ में किस कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, बाकी सारी इनकम कैपिटल गेन आया हुआ सब कुछ किसके हाथ में, यूनिट होल्डर्स के हाथ में। इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में क्या होगी, PGBP, अब नहीं भूलोगे आप, नहीं भूलोगे ना, भूल जाओगे, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में कौन सी होती है, PGBP, और बाकी यूनिट होल्डर्स के हाथ में सारी PGBP को छोड़ के कैपिटल गेन आया वगैरह सब, ठीक है। अभी एकदम ऐसा लिखा है, इसको मैंने टेबल में बना के लिख दिया, इन्वेस्टमेंट फंड की PGBP कितनी है 14 लाख है, 21 लाख किसकी LTCG, IOS कितनी 7 लाख, आपको देखते याद होगा, अगर मैंने याद कराया तो PGBP किसके हाथ में होगी, इन्वेस्टमेंट फंड के, ये दोनों किसके हाथ में होगी, इंट्रोडर्स के। अब 10 लाख रुपये का लॉस है इन्वेस्टमेंट फंड टू को, 20 लाख रुपये का LTCG लॉस है, 6 लाख रुपये का IOS प्रॉफिट है, ठीक है, ये इजी करके लिख दिया आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विद रिस्पेक्ट टू इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड वन,
अब इन्वेस्टमेंट फंड वन के हाथ में क्या टैक्सेबल होगा वो बताना है अपने को, तो बहुत ईजी है। क्या रेड कहाँ है अपना, ये रेड ही है। तो इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में कितना रहेगा, 14 लाख टैक्सेबल होगा इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में। और यूनिट होल्डर के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा, अब 28 लाख की आपकी इनकम है, 21 और 27 लाख मिला के, ठीक है, कितने यूनिट होल्डर से 35, तो एक के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा, 80 हज़ार। सिंपल है कि नहीं भैया। सेकेंड, वॉट इज द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स ऑन कंपोनेंट्स ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड वन इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। तो इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में क्या ही टैक्सेबल होता है, सिर्फ PGBP, तो बिजनेस इनकम 14 लाख। कितने रेट पर टैक्सेबल होती है, 30% पे होती है, ये बताना मैं भूल गया था ऊपर, 30% पे होती है, क्योंकि बाकी तो यूनिट होल्डर्स के हाथ में होती है ना कैपिटल गेन वगैरह। तो सिर्फ बिजनेस इनकम किसके हाथ में होती है, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में बिजनेस इनकम होती है 30% पे। अब थर्ड बोलता है, विथ रिस्पेक्ट टू इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड टू। अब इन्वेस्टमेंट फंड टू के हाथ में किस किस के हाथ में कितनी होगी। अब सर ये PGBP का लॉस है, तो इनकम कैलकुलेट करने के पहले PGBP के लॉस से इसको सेट ऑफ करेंगे, किसको, IOS को, ठीक है। तो ये IOS का इनकम सेट ऑफ हो जाएगी, 4 लाख का लॉस बचेगा PGBP का। तो ये कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड करेगा। और जो 20 लाख का लॉस है LTCG को, वो कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, यूनिट होल्डर्स। कितने यूनिट होल्डर्स है, 50 यूनिट होल्डर्स है, ठीक है। तो 50 डिवाइड कर देंगे तो 40,000 एक करेगा, तो वही आंसर। बिजनेस लॉस ऑफ 4 लाख कैन बी कैरी फॉरवर्ड बाय इन्वेस्टमेंट फंड, कैपिटल लॉस ऑफ 40,000 कैन बी कैरी फॉरवर्ड बाय ईच यूनिट होल्डर, ठीक है। ये जो हुआ है ना सेट ऑफ, याद रखना, सेट ऑफ करते हैं पहले फिर निकालते हैं। अब 8.4 क्वेश्चन नंबर, इफ इन द प्रीवियस ईयर 2021-22 इन्वेस्टमेंट टू हैज अ बिजनेस इनकम ऑफ 15 लाख एंड LTCG ऑफ 25 लाख, तो उसकी टोटल इनकम कितनी होगी। अब पहले का बिजनेस लॉस कितना है, 4 लाख, अभी कितने बताया इसने, 15 लाख होगी, तो 15 लाख मतलब टोटल इनकम कितनी हुई, 11 लाख। क्योंकि ये जो 25 लाख दिया है इसने, इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसके हाथ में टैक्सेबल है, यूनिट होल्डर्स के। तो बिजनेस इनकम मतलब इसकी इनकम में कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट फंड की, तो इन्वेस्टमेंट फंड की कितनी इनकम होगी, सिर्फ 11 लाख होगी, 15 में से 4 माइनस, ठीक है। खत्म के क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आखिरी के और बढ़ रहे हैं अपन, फटाफट खत्म करना है। अब मिस्टर राम इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन फर्नीचर, हिज एनुअल टर्नओवर फ्रॉम विच इज अराउंड 70 to 80 लाख। हिज ब्रदर मिस्टर श्याम इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ होलसेल ट्रेडिंग इन फ्रूट ग्रेन्स एंड हिज एनुअल टर्नओवर इज अराउंड 3 करोड़। मिस्टर श्याम ऑल्सो एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स टू साउथ ईस्ट एशियन कंपनी डायरेक्टली एज वेल एज थ्रू हिज एसोसिएट्स। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स। अब पर्टिकुलर्स दिए हैं, कब फाइल किया, AY 18-19 का रिटर्न फाइल किया है 30/4/2020 को इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 सर्वड ऑन 2/23/2020। अब हुआ है सेकेंड, फाइल रिटर्न ऑन ऑफ AY 19-20 ऑन 12/9/2019, ठीक है। फाइल रिटर्न ऑफ AY 20-21 ऑन 25/9/2020, ठीक है। मिस्टर साहब ने क्या किया है, फाइल रिटर्न ऑफ AY 2018-19 ऑन 34/2020 इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 सर्वड ऑन 9/4/2020। अभी सर्व सर्व जो लिखा है सब ध्यान रखो भाई, सब काम आने वाला है बाद में। फाइल रिटर्न ऑफ AY 19-20 ऑन 39/2019, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, असेसिंग ऑफिसर ने रेफरेंस किसको किया, TPO को, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को, याद आ रहा है ना, असेसमेंट पढ़े अपन ने। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ असेसमेंट ऑफ AY 19-20 एंड द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर पास इन ऑर्डर ऑन 4/8/2020 इन AY 20-21 का फाइल किया 1/10/2020, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द टाइम लिमिट अवेलेबल टू असेसिंग ऑफिसर फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम। अब कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, अब रेड है ये, रेड कहाँ है, रेड ये है। अब मुझे बताओ कि जब 148 की नोटिस सर्व होती है तो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट टाइम लिमिट क्या होता है, याद है, याद है, स्क्रीन पे मत देखो, ऐसे याद है क्या, बताओ। नहीं सर याद नहीं है, टेंशन मत लो, मैंने लिखा दिया यहाँ पे। तो टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन फॉर असेसमेंट क्या होती है 148 के केस में, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस वॉज सर्व्ड। फिर से बोलो, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस वॉज सर्व्ड। 148 के केस में क्या होती है, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस वॉज सर्व्ड। 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस वॉज सर्व्ड। तो नोटिस कब सर्व हुई, 23/2020 को, एंड ऑफ इफेक्ट है 13/1/3/20, ठीक है। इसमें नोटिस सर्व कब हुई, 9/4/20, इसका एंड ऑफ एफआई क्या है, 31/3/20। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक साल यहाँ से 21, एक साल यहाँ से 22, ये देखो आंसर,
21, 22 है कि नहीं, मजा आएगा। अब 9.2 बोलता है, अब देखो रेड है तो रेड का यहाँ पे एडजस्टमेंट रेड से क्यों है ना। अब देखो ब्लू वाला, व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ टू द असिस्टिंग ऑफिसर फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय पासिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 143 फॉर एवन 1920 फॉर मिस्टर रामेन श्याम। अब 143 में क्या हुआ है, 143 की जो नोटिस होती है उसका टाइम लिमिट क्या होती है देखो बताओ, ऐसी 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर ठीक है, बट एक साल ऐड हो जाता है प्लस वन ईयर इफ रेफरेंस इज मेड टू TPO। अब A1-1920 का रिटर्न फाइल हुआ है 12/9 का, तो इसका A1-1920 का एंड ऑफ असेसमेंट ईयर क्या है 31/3/2020, इसका एंड ऑफ असेसमेंट ईयर क्या है 31/3/2020 ठीक है। तो इससे एक साल 12 मंथ्स, तो इसमें तो 21 आ जाएगा, इसमें भी एक साल ऐड हो जाएगा 21 आएगा, मतलब यहाँ से एक साल होता है ना, प्लस एक साल और ऐड होगा क्योंकि TPO के पास गई है, रेफरेंस मेड हुआ है, तो एक साल और हो जाएगा, तो 21 से 22 हो जाएगा। तो आंसर वही है 21 ये और 22 ये रिस्पेक्टिवली, सिंपल। अब 9.3, अज्यूमिंग दैट मिस्टर राम एंड श्याम हैव बिजनेसेस लॉस पर्टेनिंग टू ईयर 2021 कैन दे कैरी फॉरवर्ड। अब 9.3 है, मतलब ग्रीन वाला एडजस्टमेंट देखो कहाँ पे है, ग्रीन देखो। अब ये जो राम है, राम का टर्नओवर कितना 70-80 लाख है, वो टैक्स ऑडिट के अंदर आता है क्या, नहीं आता, मतलब उसकी ड्यू डेट क्या होगी, उसकी ड्यू डेट होगी 31 जुलाई, उसने रिटर्न का फाइल किया है 25/9 को, और अगर रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते सर। अब जो ये है श्याम, इसने कितना है, इसका तो 3 करोड़ के ऊपर है टर्नओवर, देखो ना यहाँ पे दिखा होगा 3 करोड़ के ऊपर, 3 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है इसका, तो इसकी ड्यू डेट कितनी होगी 31 अक्टूबर, तो इसने ड्यू डेट के टाइम पे फाइल किया सारे टाइम पे, तो कौन कर सकता है, श्याम कर सकता है सर, राम कर सकता है क्या, नो सर राम कैन नॉट डू सो, है ना। हो गया 9th क्वेश्चन, अब आते 10th क्वेश्चन पे, खत्म हो रहा है। क्वेश्चन 10, मिस्टर बी इज एन इंटीरियर डिजाइन डेकोरेटर बाय प्रोफेशन, ही ऑल्सो डिलीवर ऑनलाइन लेक्चर्स ऑन इंटीरियर डेकोरेशन वीआ एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडेको अकेडमी, द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मिस्टर बीज इंडेको अकेडमी अकाउंट इज गिवन हियर अंडर ठीक है। 31/5/2020 को पेमेंट इधर हुआ, 2 लाख का ये हुआ, 1.5 लाख का, 1,40,000 का ये हुआ। इन एडिशन टू अबाव मिस्टर बी रिसीव बीज आर ऑन 18/21 डायरेक्टली फ्रॉम अ स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ थ्रू इंडेको अकेडमी, मतलब उसके थ्रू नहीं मिला, सीधे डायरेक्टली मिला उसको। मिस्टर बी हैज नॉट फर्निश्ड हिज पैन और आधार टू इंडेको अकेडमी, पैन नहीं दिया भाई ने ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया क्या वैसे लिए, बताओ। ऑन 5/5/2020 मिस्टर बी प्रोवाइडेड इंटीरियर डेकोरेटिंग सर्विसेज टू मिस्टर एन इन मुंबई हैविंग बिजनेस टर्नओवर ऑफ 1.2 करोड़ ड्यूरिंग पीवाई 1920 फॉर हिज ऑफिस प्रीमाइसेस एज वेल एज रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस, द कंसिडरेशन फॉर विच वॉज 40,000 and 60,000 रिस्पेक्टिवली। मिस्टर बी हैज प्रोवाइडेड हिज पैन डिटेल्स टू मिस्टर एन फॉर इन्वॉइसिंग पर्पस, पैन दिया इसने मिस्टर बी ने, तो नहीं अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं भैया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मिस्टर बीज ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम इंटीरियर डेकोरेशन एक्सक्लूडिंग फीस फ्रॉम ऑनलाइन लेक्चर इन टोटल इज 40 लाख रुपीज ठीक है। फर्दर 1,10,000 रुपये वॉज फर्दर रुपीज 1,10,000 इज पेबल बाय मिस्टर बी टू टम्बल LLC अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हैविंग नो ऑफिस इन इंडिया एंड रुपीज 1,05,000 टू टूडल इंक USA फॉर गिविंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया हुआ है ना, मतलब इक्वलाइजेशन लेवी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। फॉर द पर्पज ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन क्लाइंट्स दो डूडल इंक USA हैज एन ऑफिस इन इंडिया द सेट ऑफिस इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग डिजाइनिंग सर्विसेज एंड नथिंग इन रिलेशन टू ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। फॉर्चुनेटली मिस्टर बी गॉट वन क्लाइंट बेस्ड इन कंट्री ए विच इंडिया डज नॉट हैव DTA विद एंड हुम रिसीव्ड 3.5 लाख एज इन नेट इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ 50,000 एज फॉरेन टैक्स ठीक है। प्रॉफिट ऑफ मिस्टर बी कंप्यूटर एज पर अकाउंट मेंटेन अंडर सेक्शन 144AA इज 24 लाख, ही हैज ऑवर नॉट गॉट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि इज इंटेको अकेडमी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन अमाउंट रिसीव्ड रिसीवेबल बाय मिस्टर बी, इफ सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड।
अब पहले मैं सोच रहा था इसमें 184J में कटेगा, पर फिर समझ में नहीं 184O में कटेगा क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है। अब सेकंड में वो समझ में आया कि इसने पैन नहीं दिया है तो इसका तो 20% लगना चाहिए, पर 5% लगता है किस केस में, उसके केस में 184O के केस में, अगर पैन नहीं दिया होता है तो। याद नहीं होगा तो याद कर लो, ठीक है। अब ना बहुत देर में ये 2 लाख 1.5 लाख और 1,40,000 रुपये निकाल रहा था, तो उस पर निकाल रहा हूँ ना 2 लाख, देखो 2 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1,40,000 प्लस आप कर लो 20,000 जो नीचे वाला है, 20,000 भी इंक्लूड होगा ना क्योंकि ये अमाउंट पर भी टैक्स काटना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली रिसीव हुआ है तो भी टैक्स काटते हैं इसमें, ठीक है। तो अब इस पर मैं कर रहा था कितना 5%, तो मेरा आ रहा था 25,500 आंसर, और आंसर 15,500 था। तो बहुत देर कन्फ्यूज हुआ, बहुत देर सोचा और मतलब एग्जाम में आप ये गलती कर सकते हो इसलिए बता रहा हूँ आपको ये तरह से। तो क्यों मैं सोचा यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बहुत सोचा, फिर एक कलीग से पूछा तो उसने बताया मुझे कि TDS अंडर जो 194O है ना वो आया है कब से, विथ इफेक्ट फ्रॉम 110/20। मतलब जो ये है इस पे नहीं लगेगा 2 लाख पे, कितने पे लगेगा, सिर्फ 1.5 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 20,000, 3,10,000 पे, कितना परसेंट, 5%, 15,500। देखो ये आंसर है, ये बहुत छोटी छोटी गलतियां होती है इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब बोलता है इज मिस्टर एन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194J, इफ सो व्हाट इज द अमाउंट टैक्स टू बी डिडक्टेड। तो 194J में एन को करना है क्या, अब ब्लू देखो कहाँ पे है, अब देखो इसने ना 140,000 रुपये किया, 160,000 दिया है, 40,000 किया ऑफिस प्रमाइसिस के लिए, 60,000 दिया रेजिडेंशियल प्रमाइसिस के लिए। TDS अंडर सेक्शन 194J नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HEF इफ पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज इट मेड फॉर पर्सनल पर्पस। मतलब ये रेजिडेंशियल वाला है, इसका इस पर TDS काटना पड़ेगा क्या, नहीं, सिर्फ 40,000 पर TDS काटना पड़ेगा, 10% 4,000 रुपये, ठीक है। अब है इज मिस्टर एन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS एट सोर्स अंडर सेक्शन 194M, इफ सो व्हाट इज द अमाउंट टैक्स टू बी डिडक्टेड। नो, क्यों, क्योंकि देखो, क्योंकि ये जो देख लेना ऊपर क्यों होता है, एम कब लगता है, 50 लाख के ऊपर लिमिट रहती है तब, मतलब 50 लाख के ऊपर सम पे क्रेडिट रहता है तो होता है, 50 लाख के ऊपर नहीं, यहाँ पे इसलिए नहीं कटा, बहुत सिंपल है, इसको समझा मतलब समझाने का कुछ पॉइंट ही नहीं इसमें, तो 50 लाख के ऊपर नहीं है इसलिए नहीं कटा, सिंपल। अब फोर्थ देखो, फोर्थ है इंटरेस्टिंग, इज मिस्टर बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इक्विलाइजेशन लेवी ऑन द अमाउंट्स पेबल टू टंबल और डूडल। अब देखो इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है कि वो काटना पड़ता है जब अपन पेमेंट करते हैं, तो देखो इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, वो कट करना पड़ता है अपन जब एडवर्टाइजमेंट के लिए बाहर वाले को पेमेंट करते हैं तो, पर कुछ केसेस में नहीं होता है, कब, जब उनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो, ऑफिस हो, ठीक है। बट यहां आप एक चीज पढ़ो, देखो ऑरेंज जो मार्क किया हुआ है कि The said office is involved in providing designing services and nothing in relation to online advertisement. तो क्या होता है कि no equalization levy if the NR providing the service has a permanent establishment in India and specified service is effectively connected with such fee. तो equalization का levy कब नहीं लगता, जब permanent establishment हो और जो service provide की जा रही है ना वो connection में हो, वो उससे effectively connected हो। पर यहाँ पे काय की सर्विसिंग है, सर्विसेज है, एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज के पेमेंट कर रहे हैं अपन, पर उसका जो ऑफिस है वो किस चीज के लिए है, वो डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए इंडिया में, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। मतलब दोनों अमाउंट पे इक्वलाइजेशन लेवी काटना पड़ेगा, 1,10,000 पे 6%, 6,600 एंड 1,05,000 पे 6%, 6,300, ये देखो दोनों पे काटना पड़ेगा, है ना। तो बचा है अभी 10.5, what is Mr. B's gross income tax liability for PY 2021 assuming that he does not exercise his option under section 115BAC? 115BAC क्या याद है आपको, नहीं याद है, अभी नया सेक्शन आया है जो स्लैब रेट्स पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, अगर याद नहीं होगा तो मेरा लेक्चर है उस पर, वो भी देख लो जाके, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पक्का क्वेश्चन आएगा पेपर में उससे, ठीक है। तो अब उसकी इनकम निकालना है अपने को, तो उसको इनकम अकेडमी से मिली 4,99,000, 20,000 स्टूडेंट ने दिया, 40 लाख उसने उसको किससे मिले, इंटर डिजाइनिंग फर्म से मिली, और 4 लाख उसको फॉरेन इनकम मिली, 4 लाख मिली है, 3.5 लाख काट के 50,000 मिला है ना, तो 4 लाख टोटल हुई।
टोटल कितनी हुई 40,10,000। अब प्रॉफिट एज पर बुक्स अकाउंट कितना दिया है, 24 लाख दिया है। कहाँ है देखो, पर्पल कलर का है, मिलेगा मिलेगा, ये देखो प्रॉफिट एज पर बुक्स 424 लाख दिया है। पर ये इसको अपन 44 ADA में करेंगे, कितना 50% मिनिमम दिखाना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट नहीं कराना। तो 50% कितना होता है 49,10,000 का, 24,55,000। तो टैक्स ऑन 24,55,000 कितना होता है, 570,960 होगा। आप निकाल लेना ये 570,960 है, कैलकुलेट कर लेना बेसिकली। तो आपके हो गए 10th क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, अपना एक क्वेश्चन बचा है 5th क्वेश्चन। उसके बाद अपन थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ा ऐसा करेंगे क्योंकि अच्छी मेहनत की अपन ने इसके लिए। कि सोचो ना कितने सेक्शन रिवाइज हो गए यार, गिनती लगाओगे आप तो 20 तो आराम से हो गए, है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5th वाला। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू 4 इंडियन कंपनीज, नेमली ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। ठीक है, अब डेट ऑफ सेटिंग सेटअप रजिस्ट्रेशन क्या है, इसका है 1/9/2019, इसका है 1/11/2020। ये क्या करता है, मैनुफेक्चरिंग ऑफ स्टील, ये करता है मैनुफेक्चरिंग ऑफ पेरल। वैल्यू ऑफ कितना लिया है, 10 करोड़ का प्लांट लिया है, इसने कितना लिया है, 4 करोड़ का प्लांट लिया है। टर्नओवर कितना है, जीटीए कितना है, 4 करोड़ 90 लाख, इसकी 2 लाख, 2 करोड़ 80 लाख। ठीक है, एम्प्लॉयज कितने हुए, 24,000 पर एम्प्लॉय से 500 हुए, 1,000 एम्प्लॉय टोटल हुए हैं, 24,000 से 500, 25,000 से 500, 24,000 से 500, 26,000 से 500। अभी आपको ये देख के याद आ रहा होगा, ATGJ में 25,000 से ऊपर के जो एम्प्लॉय रहते हैं उनको एम्प्लॉय गिनती ही नहीं है, तो इतना आपको याद आना चाहिए। ठीक है, सी लिमिटेड डी लिमिटेड का डेट ऑफ सेटिंग अप दिया है, मेन ऑब्जेक्ट दिया है, प्लेस दिए है और टर्नओवर दिए हैं। ठीक है, और इनका रिटर्न फाइल का ये दिया है। यहाँ पे URI वाला केस है, URI आपको याद हो गया है, ये क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व कर लोगे, मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना, कर लोगे ना। हाँ सर, कर लेंगे, करा दूँगा पर कंप्लीट। ठीक है, वॉट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी राउंडेड ऑफ टू मिस्टर टू बी लिमिटेड फॉर AY 2021-22 इट इफ इट अवेज द बेनिफिशियल टैक्स रेट्स अंडर द स्पेशल प्रोविजन इंसर्टेड बाय द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय फुलफिलिंग द कंडीशंस स्पेसिफाइड देयर अंडर, अज्यूम दैट द GTI रिफ्लेक्ट द कंप्यूटेशन अंडर स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, तो स्पेशल प्रोविजन क्या है, ये ना अभी सेक्शन आए थे 115BAA BAB, अब बी लिमिटेड का पूछा है इसने, तो ये हुई है ऑन और आफ्टर 1/10/2019, मतलब 115BAB अप्लीकेबल है, 115BAB 1/10/2019 के बाद ही अप्लीकेबल है सिर्फ, है ना, तो इसमें 115BAB अप्लीकेबल है। ठीक है, अब उस पर रेट कितना लगता है, उस पर रेट लगता है 17.16%। 17.16% कैसे, 15% प्लस 10% सरचार्ज प्लस सेस 4%, तो इफेक्टिव रेट लगता है 17.16%। ठीक है, अब GTI कितना है, 2.8 करोड़ है। अब GTI दिया है मतलब इस पर डेप्रिसिएशन पहले ही कैलकुलेट कर, पहले ही हो चुका है इस पर खत्म, मतलब अलाउ हो चुका है। अब माइनस अपन करेंगे 80JJA का डिडक्शन, अब 80JJA कितना मिलेगा, 500 एम्प्लॉय मिलेगा, 24,000 का, कितने महीने का, 5 महीने का, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 24,000 किया हूँ मैंने ना, हाँ 24,000 इंटू 500 एम्प्लॉयज इंटू 5 महीना इंटू 30%, 30% डिडक्शन मिलता है JJA में, तो ये 1.8 करोड़ को डिडक्शन मिल जाएगा। तो इनकम कितनी बची, 1 करोड़, इस पर टैक्स कितना लगेगा, 17.16%, 17,60,000, 16,000 आंसर है ना। 4.2, वॉट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए लिमिटेड, वो स्पेशल प्रोविजन, ठीक है वही सेम बोला है पूरा क्वेश्चन वन जैसा। अब ए लिमिटेड का पूछा है, अब ए लिमिटेड कब सेटअप हुई है, 1/4/1/10/19 में, मतलब इसके पहले सेटअप हुई है 1/10/19 के। तो BAB एप्लीकेबल है क्या, नहीं, BAA एप्लीकेबल है। BAA में क्या होता है, BAA में होता है 22% टैक्स प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस, मतलब उसका इफेक्टिव रेट होता है 25.168%। ठीक है, तो अब सेम इसमें अपन देखेंगे कि इसका जो GTI 4.9 करोड़ है। ठीक है, अब ना इस पे अपने को मिलना चाहिए 80JJA डिडक्शन, मिलना चाहिए क्या सर, पर बोलेंगे यार सर ये तो हुई है 1/1/19 में। ठीक है, हाँ सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन बताना भूल गया मैं, कि फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और अपेरल ऑफ और फुटवेयर और लेदर प्रोजेक्ट्स, एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर 150 डेज और मोर आर टेकन, 150 दिन से अगर ज़्यादा एम्प्लॉय है तो उनको लेते हैं, बाकी इसमें 240 डेज होता है। ठीक है, अब इस केस में 2019 में 19-20 में मान बताओ इन लोग बताओ आप कि 240 डेज ज़्यादा हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो उस केस में क्या होता है, फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80JJA क्या बोलता है,
अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयड होता है फॉर लेस देन 240 या 150 डेज इन अ प्रीवियस ईयर, बट इमीडिएटली सक्सेडिंग ईयर में 150 या 240 डेज और मोर के लिए एम्प्लॉय होता है, तब ही शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड इन द सक्सेडिंग ईयर. मतलब अपन मानेंगे सक्सेडिंग ईयर में एम्प्लॉय हुआ है, मतलब उस साल से आपको ATJJAA का डिडक्शन मिलेगा 30%. मतलब इस साल से मिलना चालू होगा कितना, 24,000 कितना सैलरी, 500 एम्प्लॉयज, 12 महीने का पूरा, नेक्स्ट ईयर 12 महीने का है ना, पूरा नेक्स्ट ईयर पहली बार मिल रहा है, इंटू 30%, 4.32 करोड़, 58 लाख की आपकी इनकम आ गई. 50 लाख इंटू, सॉरी 58 लाख है, मैंने 50 लाख लिख दिया गलती से, यहाँ पे 58 लाख है, तो उस पर आपकी इनकम टैक्स आएगा 14,954 आएगा अप्रॉक्स, इतना आएगा आंसर 14,947. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम राउंडेड ऑफ ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड फॉर ए 2021-22 इफ दे डू नॉट ऑप्ट फॉर द स्पेशल प्रोविजंस. ये जो 115BAA है ना, वो नहीं लिया है तो क्या होगा, ऐसा बताना है अपने को. तो पहले ए लिमिटेड का निकालते हैं, तो GTI ठीक है, उसमें से ATJJAA तो मिलेगा ही, वो माइनस कर दिए तो 58 लाख. ठीक है, अब ए लिमिटेड केस में इनने जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना पिछले साल ले लिए होंगे, न्यू मशीनरी आई ना तो इसका एडिशनल डेप्रिसिएशन पिछले साल ले लिए होंगे, और GTI तो आफ्टर डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन कोई रोल ही नहीं बचा इसमें, तो इसका 58 लाख इनकम आ जाएगी, इसकी एक ही 58 लाख इनकम आ जाएगी. अब बी लिमिटेड की निकालना है अपने को, GTI 2.8 करोड़, ATJJAA 1.8 करोड़ पर निकाले ऊपर. अब इसमें मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना, कहाँ पे है ये, कहाँ है ये वारंगल इन तेलंगाना है, 35% मिलेगा ना सर, क्यों सर, बेटा कब है ये, 1/11/2020 पे. ठीक है, आपको 35% कब तक अलाउड था, कब तक था बताओ, 31/3/20 तक अलाउड था सर, उसके बाद अलाउड नहीं था, इसलिए एसेट इज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 31/3/20 इंस्टीट ऑफ 35% 20% ही एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, और ये 110 के बाद लिया मतलब 20% का भी आधा अलाउड रहेगा, क्योंकि 180 डेज से कम है ये, तो 4 करोड़ पे 20% टू 50% 0.4 करोड़ आपका क्या रहेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो 60 लाख आपकी आएगी इनकम, है कि नहीं, ऐसे घुमाता है ऐसे ही बेटा, यहाँ 35% कर देते थे आप अभी. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द क्वांटम ऑफ पेनाल्टी. अब पेनाल्टी वाले क्वेश्चन आ गए, अंडर सेक्शन 270A, अंडर अज्यूमिंग अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज नॉट ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग एंड नन ऑफ द एडिशंस असेसमेंट क्वालिफाई अंडर 270A6. अपन ने पढ़ा पढ़ा लग रहा है ना, ये 270A6 क्या था, जिसमें वो केसेस जो अंडर रिपोर्टिंग नहीं माने जाते हैं, तो अपने को असेसमेंट वाले केस में अंडर रिपोर्टिंग इनकम निकालना है, तो अंडर रिपोर्टिंग आपकी है कहाँ पे, ये है, किसकी निकालना है अपने को, सी लिमिटेड के निकालना है, तो कितना है, 16 है आपका 143 बने का, 143 का 20 लाख है, 20 करोड़ है, तो 20-16 आप 4 करोड़ आपकी URI निकाल लोगे. ठीक है, तो वही 16+4 पे टैक्स निकालोगे, फिर 16 पे निकालोगे, कितने से निकालोगे बताओ, 20 करोड़ पे निकालोगे ना, अभी कंपनी है तो 30% सीधा टैक्स लग जाएगा 20 करोड़ पे, हाँ 20 करोड़ से टैक्स लगेगा, सॉरी हाँ 20 करोड़ पे टैक्स लगेगा 30% से. ठीक है, फिर इसमें आप ऐड करोगे सरचार्ज से 12% सरचार्ज, प्लस इसमें ऐड करोगे 4% सेस, आपका आ जाएगा 698.88. ठीक है, इसमें से फिर 16 करोड़ रुपये पैसे निकालोगे इनकम टैक्स, फिर उस पर करोगे इनटू 50%, तो आ जाएगा आपका 688.800. ठीक है, अंडर रिपोर्टिंग. अब ये बोलता है मिस रिपोर्टिंग है, सेम सेक्शन मतलब क्वेश्चन नेक्स्ट वही होता है, तो पेनाल्टी अंडर सेक्शन 278 कैसे निकालेंगे, वैसी 20+2, मतलब इस पे देखो यहाँ पे कितना है, ये 22 करोड़ है, 22 में से 20 माइनस करेंगे, तो 22 करोड़ पर टैक्स निकालो, 20 करोड़ पे निकालो, फिर 30% से निकालो 768 और 20 करोड़ पे अपन निकाले ऊपर 698 वाला ये निकाल दो, तो आ गया आपका 6 6988 800
एंड तुम इस रिपोर्टिंग है तो 200%, तो आपका 139,77,600 ये आंसर आ गया। पर आंसर तो सर ये तो कुछ और दिया है, कैसे होगा सर ये? सोचो सोचो सोचो, सोचे क्या? क्वेश्चन देखेंगे फिर से एक बार। देखो मैंने ये गलती किया, फिर मैंने देखा आंसर तो ये है, फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ नहीं पढ़ा। अपनी गलती, अपन क्या करते हैं गलती बार बार, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है टर्नओवर, ठीक है, तो ये पी बाई 1819 का टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा, 30% टैक्स लगेगा। इसमें पी बाई 1819 का टर्नओवर 250 करोड़ है। अगर आपने ये पहले नोटिस किया तो अच्छी बात है, अगर नोटिस नहीं किया होगा तो भाई यहाँ गलती होती है जल्दी जल्दी में, क्योंकि अपन एक्साइटेड हो गए कि अपन ऐसे क्वेश्चन किए हैं पेनल्टी वाले, तो ये तो बन ही जाएगा। अपन ने क्वेश्चन पूरा पढ़ना जरूरी भी नहीं समझे, तो 400 करोड़ से कम है पी बाई 1819 में, तो 25% टैक्स लगेगा, समझे? ये गया ख़त्म, जाओ तुम यहाँ से, ठीक है ये, ठीक है ये है आपका सॉल्यूशन, छुपा के रखा था मैंने। अब मैं छुपाया क्यों, मतलब ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, इससे आपको याद रहेगा। आप 25% टैक्स निकालोगे ना तो ये टैक्स आएगा, माइनस करोगे तो इतना आएगा इनकम, कितना ये इतना आएगा, और फिर इंटू 200% तो ये आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ आपके ख़त्म होते 10 क्वेश्चन, 10 केस सिनेरियो। भाई साहब पूरे पूरे 1.5 घंटा लग गया, मुझे लगा था 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे, बट 1.5 घंटा ज़रूरी था, क्योंकि 10 है, 1 को 10 मिनट ही लगा आप लोगों को समझ लो, ठीक है, तो इतना तो लगना ज़रूरी है। 10 मिनट भी नहीं लगेगा तो कैसे करेंगे। इसमें अपन ने पूरा रिवाइज भी कर लिया, पूरे कंसेप्ट रिवाइज किए, सारे क्वेश्चन एक एक सॉल्व किए हैं, सब कुछ समझा है, प्लस बहुत सारी चीज़ें याद भी कर ली है। कम से कम इस वीडियो में आपसे 20 से 25 सेक्शन रिवाइज हुए होंगे, कम से कम हुए कि नहीं, तो बताओ दोस्तों मज़ा आया कि नहीं, कैसा लगा कमेंट्स में बताओ, मैसेज करो, मैसेज करना है तो कैसे भी करके बताओ, और अगर इसके बाकी के बीच चाहिए तो वो भी बताओ। पसंद आया लाइक करना, कमेंट करना, और दोस्तों से शेयर करो, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है इसकी ना, जितने न्यू कोर्स वाले, ओल्ड कोर्स में तो नहीं है ये, न्यू कोर्स में जितने बच्चे आपके दोस्त हैं सबको शेयर करो, सबको बहुत ज़रूरत है इसकी, क्योंकि वो खुद से पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने बेसिकली इतना एफर्ट लिया आपके लिए। और अभी चिल्ला चिल्ला के मेरा गला बहुत दुख गया, बहुत ओवर एक्साइटमेंट में पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि मेरे को मज़ा आया करने, बहुत मेहनत किया। पर अगर आप पढ़ेंगे ना अच्छे से तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए आपके लिए किया है, बहुत टाइम बचेगा, और दुआ में याद रख लोगे आप लोगों। तो ख़त्म करते हैं, सभा दरख्वास्त करते हैं, बहुत मज़ा आया पढ़ने में आज, आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ 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 दोस्तों शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे बहुत वीडियोज़ आने वाले हैं, इसके भी 20 लाऊंगा अलग, 10-10 के अलग सेट में, और बाकी जो पीजीपी एडजस्टमेंट्स का मेरा बहुत हिट वीडियो है, सबसे फर्स्ट वीडियो, उसका एक वीडियो आ रहा है, उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वो अभी इस बार जो होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा पिछले बार से भी, एंड बाकी रिविजन वीडियोज़ भी आ रहे हैं, वो प्लान कर रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी आएंगे। अब ये अप्रैल मंथ बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, अपने दोस्तों को बता दो, और टेलीग्राम चैनल पे ना मैं अपनी वॉइस क्लिप्स डालता हूँ रिविजनरी, वो भी आप जाके ज्वाइन कर लो, ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे रिविजनरी वॉइस क्लिप से भी रिवाइज करने में बहुत मज़ा आएगा, उसमें भी चीज़ें जो याद नहीं रहती ना वो सब डालते रहता हूँ मैं, और उसमें भी इस महीने कम से कम 25 वॉइस क्लिप और डालने वाला हूँ मैं, तो मज़ा आ जाएगा, मतलब पास करा के छोड़ूंगा मैं तुमको, ठीक है। बहुत मज़ा आया पढ़ने में आज, बहुत थक गया हूँ मैं, बहुत गला दुख रहा है मेरा, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब रात के 3:30 बज रहे हैं अभी, बहुत मतलब बस अगर मुझे अगर आपको मज़ा आ गया ना तो मेरा एकदम मतलब सफल हो जाएगी मेहनत, तो बस जाने की इच्छा नहीं हो रही मेरी, भी पढ़ाने की इच्छा हो रही, पर अब जाना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट, बताओ मुझे आगे क्या करना है, अब आपके ऊपर है सब कुछ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। एक मिनट और ख़त्म करने से पहले मैं एक बार बोल दूँ एक बात, कि मैंने ना आज बहुत दिल से पढ़ाया, मतलब एकदम जो नॉर्मली रहता हूँ मैं वैसे में बात कर रहा था आप लोगों से, तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये मेरा नेचुरल, जो एकदम जैसे मैं नेचुरली बात करता हूँ वैसे पढ़ाया हूँ मैंने। अगर नहीं पसंद आया, आपको ऐसा लगा कि टाइम पास हो रहा है सर कि नहीं आप मत पढ़ाओ, ऐसा कैजुअल हो रहा है हमारे लिए, तो आप तभी बता सकते हो, मैं चेंज कर देंगे इसको।
जैसे मैंने बोला कि आपके लिए जो भी सही रहेगा सब करेंगे अपन, ठीक है। चलो अगर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ होगा बीच में, अगर आपको ऐसा लगा हो कि यार फालतू बकवास कर रहा, तो उसके लिए सॉरी, बट आई होप यू लाइक इट। सो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।